श्री श्री माधुभक्ति श्री गुरु सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। जनित लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जनित लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। माँ भागवत श्रील गौर किशोरदास स्वामी बाजी महाराज की जय। सचिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सारोम श्रील जगन्नाथ दास स्वामी बाजी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ हरिजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ईश्वर स्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। राय रामानंद सर्वदुतांतरादि गौर पार्षद वृंद की जय। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभु त्रय की जय। राधा कृष्ण गोपी गो गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड द्वादश वनात्मक श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री नवद्वीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री दर्शन चक्र की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। भक्त तुलसी देव की जय। श्री भक्त गोपीनाथ मदन मुन की जय। राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा उपलब्ध रामदर की जय। सर्वविष्ट प्रता श्री गिरिराज महाराज की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरे 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 कृष्ण से मानी चले सत्य चंदन देते सत्य पानी देकर चंदन दे चंदन देकरी भागवत गोटे माला दे दियो आ गोटे माला गिरिराज गोवर्धन को राधा कृष्ण को लंबा फूल गुड़ा लंबा माला वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथ नितम तंग सजीवम साद्वैतम सावधूतम परीजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमाद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमाद्भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमाद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभार्षभानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्णासम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वलप्रमाढ श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगभिरुधाभ सिद्धान्तदन्तहारिणि। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः। गिरिराज को पिंधे के ताको प्रसादी वाला क्या
नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपाय मोह गबराय गौरवाभिर्भाव निर्दिष्टायम श्री जगन्नाथाय नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपाय गौरवाभिर्भावम् निर्दिष्टाय सुजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवे सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण मगिल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव दया कर के गुरुदेव दया करके मुझको Yeah.
Hare Rama, Hare Rama.
गौर ब्रह्मानंदे हरे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकाभदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। वैदग्ध सिन्धुरनुरागैक सिन्धु वात्सल्य सिन्धुरतिसान्द्र कृपायिक सिन्धु लावण्य सिन्धुरमृत छविकेल सिन्धु श्रीराधिके स्फुरतु मे हृदि केल सिन्धु। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवे सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे कैसे श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा जी का नाम को कैसे गुप्त रूप में उन्होंने प्रदान किया है। फिर ये राधा जी का नाम को ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में उन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं बताया, उन्होंने गुप्त रूप में क्यों बताया, कारण क्या है? कहते इसको ऊपर में हमारे गोस्वामी लोगों ने बड़ी बड़ी रहस्य बताए। आज मैं बताऊंगा, मैं कल सबसे सुनूंगा, ठीक है? मैं देखूंगा क्या कौन मेरे को बोल पाता है। राधा जी का नाम को भागवत में उन्होंने क्यों नहीं दिया, इसका पहला कारण बताते हैं
कहते श्री भागवत का जो सर्वप्रथम टीकाकार हुए हैं ये श्रीधर स्वामी, बहुत बड़े विद्वान हुए। वो कहते हैं बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमार्षिक मूर्छा भवे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री राधा रानी का नाम को लेते थे वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा अगर मैं 6 महीना तक बेहोश हो गया और मेरे पास में तो केवल 7 ही दिन है, 7 दिन को अंदर में मेरी कथा सुनाना पड़ेगा, फिर 6 महीना बेहोश हो गया तो फिर कथा कैसे सुनाऊंगा। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ये जो सुखदेव गोस्वामी ये राधा रानी का प्रिय सुख है। इसलिए और राधा रानी कौन है, ये साक्षात रस स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी, प्रेम स्वरूपिणी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। इसलिए राधा रानी केवल प्रेम स्वरूपिणी, कभी ये पहला कारण है, कभी दूसरा कारण किया है राधा जी का नाम को क्यों नहीं लिया। जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करने जा रहे थे तब उन्होंने राधा रानी से प्रश्न किया, बोले हे राधे आपका नाम को ये भागवत ग्रंथ में किस रूप में मैं बताऊं। राधा रानी ने स्वयं आदेश दिया, बोले मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके लिया करना। इसलिए ये राधा रानी का ये निर्देश था। उदाहरण देते हैं, जैसे आपके पास में कोई संपत्ति है, गुप्त संपत्ति, सोने चांदी हीरे जवाहरात, थोड़ी सारा दुनिया को बोलते रहोगे हैं, इसलिए घर में सबको भी नहीं बताओगे, घर में छुपा करके ट्रेजरी को अंदर में छुपा करके रखोगे। इसलिए राधा रानी इनके हृदय की संपत्ति है। इसलिए कहते राधा जी का जैसे हम गुरु मंत्र को कैसे जप करते हैं, बिना नियम है जीवा तक भी गुरु मंत्र करते समय जीवा तक भी नहीं हिलनी चाहिए, ये मंत्र को अंदर अंदर में मंत्र जप करनी चाहिए, तभी ये सिद्धि होती है, नहीं तो सिद्धि नहीं होती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का हृदय की संपत्ति श्रीमती राधा रानी, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लिया। कितना कारण हो गया, 2 कारण हुआ। फिर तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण बताए कि जैसे राधा जी के जो नाम है, हैं कि राधा जी का जो नाम है, उदाहरण देते हैं कि जो कृष्ण भक्ति, इसको सभी कृष्ण भक्ति सभी कर सकते हैं, लेकिन राधा जी का भक्ति सभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो राधा जी की भक्ति है, कभी ये जैसे कुएं का पानी है, और उसे कृष्ण भक्ति कैसे, कभी जैसे नदी में पानी बहती है, नदी में जो पानी बहती है ये पानी को तो सब पी सकते हैं, लेकिन जो कुएं का पानी सब नहीं पी सकते। कुएं का पानी कौन पी सकता है, जिसको पास में कोई रस्सी हो और कोई पात्र हो, वही व्यक्ति ही केवल ये कुएं का पानी पी सकती है। तात्पर्य क्या है, बोले जो कृष्ण भक्ति सब तो कर सकते हैं, जो गीता पढ़ने वाले हैं, ऐसे कुछ कुछ संप्रदाय हैं वो केवल कृष्ण भक्ति करते हैं, राधा जी की भक्ति नहीं करते हैं। जैसे श्री बल्लभ संप्रदाय में वो लोग किसको भक्ति, लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं, हैं? इसलिए राधा जी की भक्ति नहीं, केवल लड्डू गोपाल जी की भक्ति करते हैं। लेकिन जो राधा जी की जो भक्ति है, जिसको पास में कोई रस्सी कोई पात्र हो, वही केवल ये कुएं का पानी पी सकता है। तात्पर्य क्या है, बोले जब तक तो कोई रस्सी की परंपरा में नहीं आएगा हैं, तब तक ये राधा जी की भक्ति उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये गौड़ीय क्यों नाम पड़ा है, कहते ये गौरी से ये गौड़ीय, र और जो ड है कहते एकात्म भक्ति है, इसलिए ये गौड़ीय मतलब गौरी श्रीमती राधा रानी। और श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम गौ रांग, गौड़ देश में जन्म हुए हैं, इसलिए हम लोग विशेष करके श्री राधा जी की भक्ति करने वाले, राधा जी की पक्ष में रह करके हम भगवान की भक्ति करने वाले। कहते ये तीसरा कारण है। कहते 14 कारण क्या है,
कहते भागवत में तो राधा राधा ही राधा है। उदाहरण दिया जैसे मेहंदी पत्ता, कहते मेहंदी पत्ते में ऊपर से देखो मेहंदी पत्ता देखने में कैसे लगता है, हरा हरा, लेकिन उसे कैसे दिखता है, हरा हरा दिखती है, लेकिन वास्तव रूप में मेहंदी पत्ता क्या हरा है, कहते हरा नहीं वो लाल है, लेकिन वो अंदर में छुपा हुआ लाल होता है मेहंदी पत्ता। मेहंदी पत्ता को पीसो तभी वो हरी हरी दिखेगी, लेकिन जब उसको हाथ में लगा दो ना जो सूख जाएगा, देखना पूरा हाथ लाल ही लाल हो जाता है, हैं? कहते उसी तरह भागवत में ऊपर से देखो क्या दिखता है, कृष्णा 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 दिखता है। जैसे दशम स्कंध में पूरा देखो कि दशम स्कंध में कृष्ण कथा है, लेकिन लेकिन उसका अंदर में कहते आत्मा तू राधिका एव, लेकिन कृष्ण का आत्मा कौन है, बोले कृष्ण की जो आत्मा है श्रीमती राधा रानी है। अगर आत्मा नहीं हो फिर तो शरीर बेकार है, इसीलिए कहते जस ज राधा सब एव कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल लीला करने के लिए वो दो रूप में प्रकाशित हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कितना कितना कारण हो गया, चार कारण होगा। कल तुम पहले नंबर तुम्हारा आएगा पूछोगा क्यों राधा जी का नाम नहीं है, उसे याद करना कल मेरे बताना। उसका पंचमा कारण बताए, जैसे कोई बोले कोई राजा जा रहा है, लेकिन जब कोई राजा जाता है राजा क्या अकेला जाता है, उनको साथ में उनको मंत्री होते हैं, रक्षा करने वाले होते हैं, उनको बॉडीगार्ड होते हैं, उनको साथ में सैन्य सामंत चलते हैं। जैसे रानी जाती है, रानी थोड़ी अलग अकेली जाएगी, उसको साथ में उनकी सहेलियाँ सखियाँ सबके सब चलती हैं। उसी तरह कहते कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए, कहते कृष्ण क्या अकेले आए यहाँ पर, नहीं, कृष्ण कभी अकेले नहीं आते हैं। इसलिए जी सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने कृष्ण का जन्म महोत्सव का वर्णना कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, बोले परीक्षित रमा किरण अभूत नृप, बोले महाराज जब श्याम सुंदर जब जन्म हुए हैं कहते ये वृंदावन कैसे बन गया, बोले रमा किरण अभूत नृप, कहते रमा मतलब लक्ष्मी, कहते मूल लक्ष्मी कौन है, श्रीमती राधा रानी, कहते राधा जी की एक क्रीड़ा भूमि होगी। इसलिए गोपी गीत का जो पहला श्लोक है जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा, इसलिए कृष्ण जब जन्म हुए ये वृंदावन धाम राधा रानी की क्रीड़ा भूमि बन गई। इसलिए वृंदावन में जाओ तो सबके सब किसके नाम लेते हैं, राधे राधे, अरे जोर बोलो राधे राधे, तुम्हारे पीछे कोई बोल रहे क्या चक्कर, बोले श्रीमती श्रीमती राधा रानी की, हरे कृष्ण। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया है कहते भागवत में श्रीमती राधा रानी कैसे जन्म ग्रहण की है, हैं? इसलिए एक भजन गा लेते, जय राधे जय जय माधव दयिते, जय राधे तारुणी मंडल मोहिते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, जय राधे जय जय माधव दयिते, जय दामोदर राधे वरदान बेटे, हरि निकोट वृंदाविति नेते, दामोदर राधे
नब ससे ले के ललिता सके गुना रविता बिताजे जब धीरे 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 कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते होते अभी कृष्ण 3 महीना के हो गए। जब 3 महीना के हुए, अब देखना बच्चा करवट लेता है। जब कृष्ण करवट ली, मैया तो इतने खुश हो गई, मेरे लाला का शरीर में ताकत आ गया है। क्यों? जब ताकत आ जाए ना, बच्चा अपने आप करवट ले लेता है। मैया ने सोचा राजा घर के बेटा है, हर बात बात पर मैया जसोदा नंद बाबा उत्सव मनाते। क्यों? ये बुढ़ापा में बच्चा हुआ है, बड़ा कठिन साधन से। बोले आज करवट लेने का घर में उत्सव मनाएंगे, सब ब्रज गोपियों को नौता दे दी, आज मेरे घर में कीर्तन होगा, मेरे घर में सबके सब आओ। उन्होंने अपना आंगन को साफ सुथरा कर दी, और राजा का आंगन है बहुत बड़ी, आंगन के एक कोड़े में एक सकट गाड़ी था, पहले गाड़ी
अभी मैया ने देखा अभी ब्रज की गोपियां आएगी कीर्तन करेगी, फिर अगर बच्चा किसको क्या देना क्या लेना, अगर ये बच्चे को लेकर के रहूंगी तो फिर ये लेना देना कैसे होगा। इसलिए कृष्ण को उन्होंने हल्दी तेल दे करके उनका स्नान करा के बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और कृष्ण सो रहे थे। और इधर ब्रज गोपियां बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की बचपन की लीलाओं को बड़े सुंदर सुंदर रूप में गा रही थी। जब गा रही थी इतने में कृष्ण जो सो रहे थे थोड़ी देर बाद में देखा उनका नींद खुल गई। नींद खोल करके देखा बोले हे भगवान मैं गोलोक वृंदावन से क्यों आया, किस लिए आया, यही आनंद लेने के लिए तो आया हूँ। और मेरे लिए उत्सव और कीर्तन हो रहा है मेरा, और मैं स्वयं कहता हूँ मद भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठा भी नारद, नारद मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त लोग कीर्तन करते हैं। अभी कृष्ण अभी अपना कीर्तन का आनंद लेना कृष्ण चाह रहे हैं, मैं भी कीर्तन में जाऊँ और मैं भी थोड़ा आनंद लूँ। लेकिन कृष्ण का उम्र अभी कितना है, कितना 3 महीना के हैं अभी। कृष्ण अभी गुठन पर भी चलना कृष्ण को आता नहीं, कहते बच्चों का बल किया बोले बाला नाम रोदनम बलम, कहते बालों को का रोदन ही रोना ही इनका बल है। हैं कृष्ण जब बच्चे जब रोए मैया क्या करते हैं, तभी उनको दूध पिलाती हैं, पता चलता है इनकी कोई परेशानी है। अभी कृष्ण सोचा अगर मैं थोड़ी सी रो जोर जोर से मैया की कानों में आवाज पड़े तो मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। कृष्ण रोना शुरू कर दिया, जब रोना शुरू की लेकिन मैया तो लेन देन में लगी हुई, कौन आया किसको देखना किसको क्या मिला कि नहीं मिला, लेकिन मैया की कान में कृष्ण की रोने का आवाज ही नहीं पड़ा। कृष्ण बोले इतना तो रो लिया कब तक रो, इतना थक गया रोते रोते, अभी तो मैया मेरे को उठा करके ले ही नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया है उसने कंस को प्रेरणा कर दी और कंस ने ये सकटासुर को भेज दिया। कभी ये सकटासुर है, कभी उन्होंने ये सकटासुर को भेज दिया, कभी ये सकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा, इसका नाम था उत्कच। एक दिन उसने लोमर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और उनको जितने बाग बगीचा को तोड़ फोड़ दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले इसलिए भगवान तेरे को इतने लंबे चौड़े बनाए, संतों की ठाकुरों की बाग को उजाड़ने के लिए बनाए तुमको, बोले जा तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तेरे इतने अभिमान हैं सारे अभिमान चकनाचूर हो जाए। हैं कि जितने सारे अभिमान तेरा शरीर ही नहीं रहेगा, हैं तेरा शरीर शून्य हो जाएगा। इतना बोलते ही सचमुच से देखा उसका शरीर धीरे 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 गायब होना शुरू हो गया, उसको सारे नशा उतर गया है घमंड का। फिर उन्होंने ऋषि के चरण में गिरा, बोले महाराज अपराध को माफ कर दो, मेरे अपराध को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, अभी बताओ मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले कृष्ण जब द्वापर युग में जन्म लेंगे उनकी चरण स्पर्श से तुम्हारी उद्धार होगा। अभी वही उसने सकटासुर बन करके आया है, अभी जब सकटासुर बन करके आया कंस ने उसको प्रेरणा कर दी और उसने बस आकाश में उड़ते उड़ते आ गया। जब आ गया कंस कृष्ण ऊपर देखा, ऊपर क्या देखा, मामा जी को, कंस मामा है, इनके संबंधी सबके सब मामा लगते हैं, कहते मामा जी आ गए ये कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे हैं। इतने में वो देखा कृष्ण तो बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए, उसका तो शरीर थी नहीं, सोचा बैलगाड़ी में सवार हो जाओ और बैलगाड़ी को मैं ऐसे दबा दूं, कृष्ण तो नीचे लेटे हुए हैं पूरा के पूरा कृष्ण पिस जाएंगे। इतने में कृष्ण अपना जो नन्हे नन्हे चरण को उनने धीरे 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 उनने चलाया, चलाते चलाते ऐसे ठोकर मारी उसमें जितने दूध दही हैं जितने राबड़ी मलाई था एकदम गिर पलट गई, पलट करके सारे दूध दही मक्खन सब के सब इधर उधर हो गया, छिरना बिरना हो गया। और गोपियां बैठ करके थोड़ी दूर में कीर्तन कर रही थी, उसने देखा अरे क्या हो गया, आंधी तूफान कुछ नहीं, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे, जितने सारे ब्रजवासी भागते भागते वहाँ पर गए देखा कुछ है नहीं,
और वहाँ पर तो सारे दूध दही बिखरा हुआ है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वहीं पर थे कृष्ण के सकालों। उन लोगों ने देखा था कृष्ण के चरण की ठोकर से ये गाड़ी पलट गई, लेकिन इस सखाओ ने तोतली तोतली बोली से बोलने के लिए कोशिश की, बोले मैया मैया हम बताए बताए। बोले क्या क्या बताओगे? बोले कृष्ण 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 का चरण चरण की ठोकर ठोकर से गाड़ी गाड़ी पलट गई। बोले लगता है भाग की गोला ज्यादा हो गया है, हैं? अभी मेरा बच्चा तीन महीना की आज करवट लिया और ये क्या कह रहे हैं, इनकी चरण की ठोकर लग गया तो ये गाड़ी पलट गई। लगता है ज्यादा पागल हो गए। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इनके द्वारा भगवान ने क्या सिखा दी। जब 6 दिन था इन्होंने पुतना को मारकर सिखा क्या दिया, बोले कृष्ण का जो होठ है, हैं, ये होठ में कितने शक्ति है। जिस राक्षस को देवता लोग भी डरते थे, कृष्ण स्तन पान करते करते उसको खत्म कर दिया। यहाँ पर जब 3 महीना हुए, किसको मारे, सगडासुर को, इसमें क्या सिखा दिए, बोले कृष्ण का चरण में क्या शक्ति है, हैं? इतने बड़े दैत्य था, केवल 3 महीना का हुए तो चरण की ऐसे ठोकर मारे राक्षस को उन्होंने खत्म कर दिए राक्षस को। फिर कृष्ण को जब 3 साल होएगा, अभी वो उन्होंने तृणाव्रत को बद्ध करेंगे, यहाँ पर सिखा देंगे कृष्ण केवल उनको गले को थोड़ी 3 महीना साल में गले को पकड़ लिया तो वहीं पर उसका गला घुट गया, हैं? यहाँ पर सिखा देते हैं, कहते ब्रज में अथा ऐश्वर्य है, वहाँ पर तो ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य रहने पर भी वो माधुर्य को तरह ढका हुआ है, हैं? राम को देखो, दूसरे अवतारों को देखो, जब बड़े हुए सबसे पहले उन्होंने किसको मारे, तारकासुर आकर के मारे, हैं? तो 12-13 साल हुए जब गए चाकर कहीं मारे, लेकिन कृष्ण उन्होंने एकदम बचपन में उन्होंने अद्भुत उन्होंने लीला की, लेकिन इतने ऐश्वर्य प्रकाश करने पर भी ब्रजवासियों को किसी को विश्वास नहीं हुआ कृष्ण भगवान है। वो क्या सोचते हैं, नारायण की कृपा से हमारे लाला बच गया है, है ठाकुर को कृपा से ही हमारे लाला बच गया है। इसलिए फिर गोपियों ने कृष्ण को वहाँ से उठा करके ले गए, लेकर उन्होंने जो कीर्तन कर रही थी कीर्तन को बीच में लेटा दी। फिर गोपियों ने बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला गोकुल में आयो नंदलाला गोकुल में आयो गोकुल में आयो नंदलाला गोपियों से पड़ गया अब पाला गोपियों से पड़ गया अब पाला जियो जियो लाला जियो नंदलाला यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये लीला के द्वारा कृष्ण क्या सिखा दिया है, ये लीला से उन्होंने सिखा क्या दिया है, कभी सिखा ये दिया है, बोले मैं जैसे संपत्ति रहते मेरे जैसे संपत्ति रहते फिर ये दूध दही की क्या जरूरत है,
मैं तो मूल संपत्ति तो मैं हूँ ना, इसलिए धन के मध्य कौन धन सर्वश्रेष्ठ है? राधा कृष्ण प्रेम जाल से ही बड़ा धनी है। धनी को अंदर में सबसे बड़े धनी कौन है? बोले जिसको पास में राधा कृष्ण की प्रेम रूपी धन हो, कलि जगत में सबसे वही बड़े धनी है। और कृष्ण ये शिक्षा देते हैं, कृष्ण को कहाँ लेटा दिया? बोले बैलगाड़ी को नीचे। और सारे घर की सामान कहाँ रख दिया? बैलगाड़ी को ऊपर। बोले कृष्ण को नीचे कर दिया और सारे संसार की जो धन को उन्होंने ऊपर कर दिया। बोले मैं नीचे हो गया, संसार की धन तुम्हारी हो गया ऊंचा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, ऐसे ठोकर मारे सबको, उन्होंने तस नस कर दिया। शिक्षा देते हैं अगर घर में कोई भी उत्सव हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, कृष्ण को उत्सव से अलग कर दिया, कार लेटा दिया, बैलगाड़ी को नीचे। इसलिए कभी कभी सांसारिक लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। शादी हो रही है, बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, सारे यार दोस्तों को बुलाएंगे, है परिवार के सब लोगों को बुलाएंगे और खूब केक कटवाएंगे और पता नहीं कितना बोतल तोड़ाएंगे और कितने मांस मछली कितना खिलाएंगे लोगों को, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं। ठाकुर जिसने दिया सब कुछ, उसको एक थोड़ी सी भी चीज़ उसको कोई भोग नहीं लगाएंगे। ठाकुर को सेवा के लिए कुछ नहीं, बच्चे का बर्थडे में वहाँ पता नहीं कितना लाख रुपया खर्चा करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अगर मेरे को अगर निकाल दोगे तो उत्सव से क्या करूँगा, ऐसे ठोकर मारूंगा ना सब तुम्हारी, सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारी सब कुछ। अभी कृष्ण प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, बोले पहले अगर मेरे को कीर्तन में रख लेते तो मैं इतना नटखट करता नहीं। अभी कृष्ण एक दिन, कृष्ण अभी कृष्ण अभी 3 महीना के, अब देखना बच्चा जब करवट लेता है तो बच्चा क्या बड़ा चंचल हो जाता है, जो चीज देखता है उसको पकड़ना चाहता है, जो चीज देखता है हाँ, जैसे सर्प धीरे धीरे चलते हैं ना, उसी तरह बच्चा पेट के सहारा से ऐसे ऐसे चलता है, कोई भी चीज देखेगा उसको पकड़ेगा, हैं मिट्टी देखेगा उसको खाएगा, मुंह में डालेगा, बच्चा का ये स्वभाव है। इसलिए पहले हर घर घर में दहेली हुआ करता था, दहेली समझते हो ना, क्या उड़िया में क्या बोलते हैं, हाँ चौगट। इसलिए अभी वो चौगट कृष्ण सोच रहे हैं, पहले हर घर में चौगट होता था और नंद बाबा राजा है और चौगट बड़ा ऊंचाई थी। अभी कृष्ण पेट के सहारा में धीरे 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 हैं, इसलिए धीरे धीरे चलते 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 अभी चौगट से बाहर जाना चाहते, करते करते चौगट के ऊपर में आ गए। अभी आधा शरीर बाहर और आधा शरीर अंदर में, और चौकट था ऊंचाई, जब बीच में जब कृष्ण पेट के सहारा में आए आता, इतने में कृष्ण तो लटक गए, अभी बाहर भी नहीं जा पा रहे और अंदर में भी नहीं जा पा रहे, अभी लटकत तो भगवान है, लटक रहे हैं भगवान। इसी समय में नारद जी कदी लोमर ऋषि को साथ में भगवान के लीला दर्शन करने के लिए आए थे, प्रभु कैसे गोकुल में लीला कर रहे हैं। जब उन्होंने आ करके देखा ठाकुर जी लटक रहे हैं और करके रो रहे हैं, इसको देख करके तो नारद जी ने बड़े जोर से हा 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 करते करते बड़े ठाल लगा कर जोर जोर से हंसे। थोड़ी देरी बाद में फिर करके रोने लग गए। उनको साथ में ऋषि थे, ऋषि ने कहा नारद जी आप तो पहले बड़े जोर से हंसे और ठाल लगा करके, फिर बाद में रोए, अब हंसे और रोए क्यों? नारद जी कहते इसलिए मैं हंस रहा हूं, भक्तों का सौभाग्य को देख करके, जिनके नाम लेने पर जिन क्या होता है भवसागर से पार हो जाता है, जिनका नाम लेने पर क्या, ठाकुर जी कथा अपार संसार समुद्र से तो भजामहे भागवत स्वरूपम हैं, ये जो अथाह रूपी जो संसार रूपी जो समुद्र से जिनके नाम लेने से जिनकी कथा सुनने से जीव पार हो जाते हैं, क्या ठाकुर जी एक दहली को पार नहीं हो सकते, ये चौगट को पार नहीं हो सकते? फिर ठाकुर जी लटक क्यों रहे, क्यों लटक रहे? बोले भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्त लोग ये मेरी लीलाओं को देख करके और ये लीलाओं को सुन करके भक्त लोग एकदम प्रेम में डूब जाते हैं, प्रभु देखो कैसे लीला कर रहे। बोले अब रो रहे हैं क्यों? बोले इसलिए रो रहे हैं कभी ये ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख करके,
यानी जो ज्ञानी होते हैं भगवान को जो निराकार निर्विशेष मानते हैं, कहते अरे भगवान की जो लीला है ना सब माई की लीला है, हैं ये सब माई की लीला, इसमें कुछ है नहीं, हैं इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये सब माई की लीला है, इसलिए उन लोगों ने मेरी ये दिव्य लीलाओं से वंचित है, इसलिए उनकी दुर्भाग्य को देख करके मैं रो रहा था। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े हुए, बोले कितने दिन की कृष्ण, अभी बोले जब 3 साल के कृष्ण हुए इतने में तृणावर्त वहाँ पर आया, 3 साल में जब तृणावर्त आया 3 सालों में, इतने में मैया जसोदा देखना बच्चों के क्या करते हैं माताएं ऐसे हाथ में पकड़ करके ना ऊपर में फेंकते हैं, हैं ऐसे फेंकते हैं फिर पकड़ते हैं फिर फेंकते हैं बच्चों को ऐसे ऐसे करते ना, अभी मैया जसोदा कन्या को ऐसे ऐसे फेंक रहे थे पकड़ रहे थे। कृष्ण ने सोचा मैया क्या कर रही है, मेरे को थोड़ी सी दूर फेंकती है पकड़ लेती है, हैं अरे मैं तो चाहता हूँ कुछ दिन बाद में गली गलियों में मैं मक्खन घर घर में चोरी करूँगा, अभी पता नहीं गली किधर जाना पकड़ा नहीं जाऊँ, किधर जाऊँ और किधर भागूँ किस तरह छुपूँ, थोड़ी सी मैं चाहता हूँ अगर कोई कोई एरोप्लेन आ जाए ना उसमें मैं थोड़ा चढ़ कर के ऊपर चली जाऊँ और थोड़ा मैं घूम करके फिर आ जाऊँ। कृष्ण के मन में क्या हुई और थोड़ा ऊपर में उड़ करके जाऊँ। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया है, ये जोग माया सब लीला करने वाली, कृष्ण की इच्छाओं को समझ करके जोग माया ने कंस को प्रेरणा किया, कंस ने तृणावर्त नाम को दैत्य को उन्हें भेज दिया। इतने में कृष्ण ऊपर में देखा बोले मामा जी आ गए, हैं मामा जी आए, अभी तो मेरे को उड़ा करके ले जाएंगे, अभी तो एरोप्लेन में मैं थोड़ा घूमूंगा, लेकिन अगर आ करके अगर मैं तो किसी तरह बच जाऊंगा लेकिन मैया अगर उड़ कर चले जाएगी तो फिर मर जाएगी, इसलिए अभी क्या होगा। इसलिए कृष्ण ने किया कि अपना शरीर को उन्होंने इतना भोजन बनाया, इतना भोजन बना दिए जैसे पत्थर की चट्टान कोई हो, मैया उसको गोद में ले नहीं पाई, भले ये क्या हो गया पत्थर जैसे कैसे हो गया, मैया अपना गोद से वहां लेटा दी, जब लेटा दी इतने में तृणावर्त ने आया और आंधी तूफान रूप में और उनको पकड़ करके सीधा ऊपर उड़ा करके ले गया। जब उड़ा करके ले गया अभी कृष्ण उसको गले को पकड़ लिए, पकड़ करके पूरा उन्होंने ब्रजमंडल घूम लिया, हैं पूरा घूम लिया, घूम करके अभी कृष्ण लैंडिंग करना चाहते हैं, बोले आकाश में तो उड़ गया मैं लैंडिंग कैसे करूँ, हैं नीचे कैसे उतरूँ। आप देखना बच्चों का क्या स्वभाव है, क्या स्वभाव है, किसी बच्चे को अगर आप ऊपर ज्यादा उछाल दिया ना वो बच्चा डर जाता है, हैं डर करके पकड़ लेता है, ऐसे ही जब उन्हें ऊपर ज्यादा घूमे इतने में कृष्ण तो उसको गले को उन्होंने ऐसे दबा दिया और दबाते ही इतने में तृणावर्त धड़ाम करके नीचे गिरा, एकदम चकनाचूर हो गया और कृष्ण उसको ऊपर में आकर के गिर पड़े कृष्ण। इतने में मैया जैसा जब थोड़ी देरी बाद में देखती है बोले लाला को तो मैंने यहीं पर सुलाया था, ये लाला गया कहाँ, हाँ जैसे बछड़े को माता जी की गैया से अलग कर दो ना, मैया क्या होता है गैया एकदम बिलबिलाल लग जाती, मेरे बछड़े का बछड़ा कहाँ, उसी तरह मैया जसोदा भी भले मेरे लाला कहाँ है मेरे लाला कहाँ है, हैं उसने मैं देखा जा करके कृष्ण दूर में पड़े हुए, फिर तो मैया भागते भागते गई, फिर कृष्ण को वहाँ से उठा करके लाई, ला करके फिर स्तनपान कराई, काली गैया का हाँ पूछ से झाड़ा लगवाई, फिर उनको पता नहीं मेरा बेटा कैसे बच गया, पता नहीं ये कैसे उठा करके उड़ा करके कैसे ले गया। तो यहाँ पर कहते भैया कभी कभी ये साधकों का जीवन में भी कहते तृणावर्त आ जाता है, इसलिए यहाँ पर बताए उस श्लोक में कहते हैं मुहूर्तवत, उस श्लोक याद नहीं आ रही, इसलिए मुहूर्तवत अच्छा दिन यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कभी कभी साधकों का जीवन में भी कुछ समय के लिए ये तृणावर्त आ जाते हैं। मतलब क्या है, जैसे थोड़ी समय के लिए पूरा अंधकार कर दिया है, थोड़ी समय के लिए पूरा अंधकार कर दिया लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर साफ हो गया, उसी तरह जो साधन भजन करते हैं इनका जीवन में भी कभी कभी ये तृणावर्त दैत्य आ जाता है। तृणावर्त दैत्य कैसे आता है तब गुरुदेव कथा सुनाते थे, मैं पहले सुनाया था एक बार, बोले कैसे साधुओं का जीवन में भी ये कैसे ये बड़ा आंधी तूफान तृणावर्त कैसे आता है। बोले एक समय कहते दो बहन थे,
कितना दो दो बहनी, दोनों बहनी बेस्या है। कभी जो छोटी बहनी है वो बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर ही छोटी बहन थी हैं। ये इनका काम था दूसरों को फंसाना, वेश्या काम वेश्यागिरी करना। भले कोई एक ब्रह्मचारी था भगवान नारायण, ये दक्षिण देश का कथा है ना, दक्षिण का भगवान नारायण का सेवा करने वाले हैं। कोई एक ब्रह्मचारी था, उनका रोज नित्य नियम था बगीचा में जाना, फूल चयन करना, तुलसी लाना और नारायण की सेवा करना, और एकदम भक्ति में रमा रहता था। एक दिन वो भगवान का नाम ले रहा था और तुलसी चयन कर रहा था, फूल चयन कर रहा था, बड़ी सुंदर देखने में था। ठीक उसको पास में देते हुए वो दो बहनी जा रही थी, जब जा रही थी बड़ी बहन छोटी बहन की कहती है, बोले देखो देखो इनका जीवन कितने पवित्र है, देखो कैसे ठाकुर का नाम ले रहे हैं, केवल ठाकुर में ही अपना मन है, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर के लिए फूल तुलसी संग्रह कर रहे हैं। छोटी बहन कहती रख रख हम इतना ऐसे कितना साधु हमने देख लिया है। बड़ी बहन कहती है तुमको पता नहीं इनका जीवन कैसे है, बोले तब तक साधु है जब तक मेरे को देखा नहीं, मेरे देखने का बाद है ना सब साधु भक्त कहीं चली जाएगी। कहते तुम ऐसे बोल नहीं सकते, बोले तुम देखोगे, बोले क्या दिखाओगे, बोले देखोगे इसको मैं कैसे फंसा लेती, बोले फंसा लो कैसे फंसाओगे। अभी दोनों बहनी है ना ये बात को लेकर लड़ पड़े आपस आपस में हैं। एक कहती है मैं फंसा दूंगी, एक कहती तू फंसा नहीं सकती हो। तो बड़ी बहनी कहती फंसा करके दिखा, बोले दिखाता हूँ तेरे को। एक दिन क्या हुआ, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी और वो जो बेस्या थी छोटी बहनी वो जानबूझ करके एक पतला कपड़ा पहनी। जब पतला कपड़ा पहने अगर रिमझिम बारिश हो ना अगर भीग जाता है वो कपड़ा शरीर में चिपक जाती है, वो जानबूझ करके उधर से होकर गई और उसको दरवाजा को सामने गिर करके बड़ी जोर जोर से रोने लग गई। बोले मेरे को कोई हो तो बचाओ, कोई बचाओ। वो साधु तो फूल चयन कर रहा था, तुलसी चयन कर रहा था, देखा कोई स्त्री रो रही है, बोले भैया रोने दो हम साधु स्त्री से क्या मतलब है। लेकिन वो तो उसको फंसाने के लिए रो रही थी, इतने जोर से रोई, इतने जोर से मैं मर रही हूँ, कोई बचाओ हो तो। संतों का हृदय तो कोमल होता ही, अभी इतना रोना धोना सुन करके वो उधर गया, देखा वो तो रो रही है जैसे मर जाएगी, प्राण त्याग देगी। अभी ये दया परवश होकर के उनने कंडा जलाया और उसको शरीर का सेकवाल शरीर को उनने हैं उनको सेक लगवाया, लगा करके वो चली गई। जब चली गई इधर क्या हुआ, लेकिन उसने जो एक बार देखा ना, दिखा रहे माया की कितने प्रताप, ये माया कितना बलवती है हैं। एक बार जब उसने देख लिया मानो उसको आंखों में ये फट भेज गया। अभी उसको बाद में क्या हुआ, फिर वो जानबूझ कर क्या करती है, वो जानबूझ करके बगीचा के सामने जाती है, बोले बाबा राधे राधे, अगर आप नहीं होते है ना उस दिन तो मैं मरी जाता, आपने मेरे प्राण को बचाया, राधे राधे। वो जानबूझ कर उसका मन को आकर्षण करने के लिए कोशिश करती है। फिर उसने क्या की, फिर क्या करती है जानबूझ करके ना वो कुछ सामान ला करके बाबा को दे देते हैं। महाराज जरा सर इसलिए उन्होंने जानबूझ करके क्या करती है कुछ सामान ला करके महाराज अच्छे बस बस अच्छा 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 ऊपर बसो तुम सब दर्शन करे वैष्णव एड़ा सब अरे इसलिए वो जानबूझ कर क्या करती हैं, कभी कभी कुछ कुछ सामान दे करके जाती हैं, हैं बाबा इसको रख लो। देखो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना टीका में कहते हैं, हैं कि विश्वनाथ टीका में कहती हैं ये जो माया है ना ये सुई बन करके घुसती है, हैं ये क्या बात कर रही, इसलिए कहते जो माया है ये सुई बन करके घुसती है, लेकिन वो जब निकलती है ना फाल बन करके निकलती है। उसको पता नहीं चलता है साधक को वो माया कैसे धीरे 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 उसको फंसा दिया, उसको पता ही नहीं चलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती की बात कहते हैं सुई बन करके घुसेगी, जानबूझ करके मन को आकर्षण करने के लिए कुछ कुछ चीज को छुपा करके दे जाएगी। बोले बाबा इसको रख लो, है ये चीज साधक तो समझ नहीं पाता है। अरे वाह ये तो बड़ा प्यार करती है, ये तो बड़ी प्रेम करती है, लेकिन प्रेम नहीं करती है, तुम्हारा सर्वनाश कर रही है, चीज को साधक को पता
नहीं चलता है। बाद में देखा बस एक दिन उसने फंसा दिया बाबा को। अभी क्या करता है पुजारी, ठाकुर जी को जो सेवा में लगाता है ना, बढ़िया बढ़िया कोई चीज है छुपा छुपा करके उसके लिए रख लेते हैं और छुपा छुपा कर उसको घर में पहुंचा देता है। अभी पहले दिन भर क्या करता था, हरिनाम करता था, भगवान की चिंतन करता था, भगवान का चिंतन नहीं हो रही है, किसका चिंतन हो रही है, हर उठते बैठते सोते वो वेश्या की चिंता कर रहा है, दिन भर वो वेश्या की चिंता, और कोई बढ़िया चीज हो तो उसको घर में छुपा छुपा करके उसको घर में देख भेजता है, एकदम फंस गया। इतने में जब फंस गया, इतने में ठाकुर जी ने देखा भैया मेरा भक्त तो फंस गया, पहले मेरा इतना सेवा पूजा भक्ति करता था, हाँ पूरा मन प्राण चित्त को मेरे चरण में दिया था, अभी तो 24 घंटा मेरा कोई स्मरण नहीं, ये दिन भर तो ये वेश्या की चिंता कर रहा है, फिर बढ़िया बढ़िया चीज तो घर में भेज रहा है उसको घर में। अभी ठाकुर जी ने देखा इसको उद्धार करना पड़ेगा, भगवान दयालु है ना, ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, इसको कैसे हम उद्धार करें। फिर इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, जान बुझ करके उनकी घर की जो सोने की जो प्लेट थी ना, वो सोने के प्लेट को ठाकुर जी चुराया और छुपा करके वेश्या घर में रख दिया। सवेरे हला हो गया, पुजारी बोले ये सोने की प्लेट कहीं चोरी हो गई ठाकुर जी की, बोले सोने की राजा को पास में खबर गया, राजा सीआईडी लगा दिया, तो देखो तो ये सोने की प्लेट कहाँ गया। अभी सीआईडी लगा करके छुप छुप करके देखा है जो सोने की प्लेट है वो वेश्या के घर में, बोले भैया वेश्या के घर में कैसे पहुंचा, उनने सीआईडी लगाया, देखा ये जो पुजारी है ये उसको साथ में उसकी कुछ गड़बड़ी है, ये छुप छुप करके पुजारी वहां जाता है। इसलिए ठाकुर जी अभी पता चलते ही राजा ने आदेश दिया ये दुष्ट पुजारी खुद चोरी करके उसको घर में तुमने ले गया, अंदर अंदर में सामान वहां भेजते हो हैं छुप करके, और हल्ला मचा दिया क्या ठाकुर की सोने की प्लेट चोरी होगी, जेल में बंद कर उसको, दुष्ट कहां गया, अब उसको जेल में बंद कर दिया, तो जेल में बंद हो गया। अभी वो पुजारी सोच रहा है, बोले हाय रे कहाँ भगवान की भक्ति करता था, भजन करता था, कहाँ ये वेश्या के चक्कर में पड़ करके हैं, कहाँ मेरी सर्वनाश हो गया, और मैंने चोरी किया नहीं और पता नहीं कैसे उसको घर में पहुंचा, उसकी वजह से अभी मैं जेल में बना। अभी तो रो रो करके ठाकुर जी को पुकार रहे, ठाकुर जी मेरे को बचाओ, ठाकुर जी मेरे को रक्षा करो, पता नहीं क्या हो गया, पहले कितना तेरा नाम भक्ति पूजा में कितना करता था ठाकुर जी, अभी मैं कहाँ पड़ गया। जब खूब रोए दिन रात ठाकुर जी को पुकारे, ठाकुर जी ने देखा अभी सुधर गया है, अभी इसकी सुधर गया है। अभी ठाकुर जी फिर राजा को स्वप्न दिया, बोले महाराज ये काम मैंने करवाया था, क्योंकि वो फंस गया था किसी वेश्या की चक्कर में, ये फंस गया था इसलिए उसको उद्धार करने के लिए मैंने ये सारे काम कर लिया, उसको जेल से निकाल दो, अभी वो सुधर गया है, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जैसे ये आंधी तूफान आज आ गया, कभी कभी ये साधकों का जीवन में भी ये आंधी तूफान कभी कभी आ जाती है, इसलिए क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं देखो एक चीज, यहाँ पर श्री विश्वनाथ को ठाकुर कहते हैं अगर हमने कहीं फंस गया, अगर सच दिल से अगर ठाकुर जी को पुकार, ठाकुर जी क्योंकि बद्ध जीव का जो इंद्रियाँ हैं, हमारे जो इंद्रियाँ कहते बहुत दुर्बल है, माया की शक्ति ज़्यादा है, माया की शक्ति ज़्यादा है, और हमारे जो इंद्रियाँ हैं हमारे जो जीव ये क्षुद्र माया के चक्कर में वो आसानी से फंस जाती है क्योंकि उसका शक्ति ज्यादा है। लेकिन अगर हम हृदय से ऐसे कपट से हृदय से अगर हम भगवान से पुकारे ठाकुर जी मेरे को बचाओ, ठाकुर जी ये माया से मेरे को निकालो, फिर भगवान दया करके क्या करते हैं, फिर कुछ ना कुछ बहाना बना करके फिर वहां से उसको निकालते हैं अगर हृदय से पुकारोगे। लेकिन अगर हृदय से नहीं पुकारोगे नहीं बढ़िया है, आनंद आ रहा है, फिर तो ठाकुर बोले आनंद लो अभी, हाँ जब तक आनंद ना आनंद लो, इसलिए जब माया की डंडा बढ़ेगा तब तक ये ठंडा होगा। इसलिए कभी कभी ये साधो का जीवन में कभी कभी थोड़ी समय के लिए ये त्रिणावर्त रूपी दत्त कभी कभी आ जाती हैं, इसलिए कहते साधु सावधान फिर कहीं करा अवधान, हैं। इसलिए
अभी कृष्णा धीरे 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 कृष्णा बड़े होते जा रहे हैं, जब बड़े होते जा रहे हैं कीर्तन करते हैं। हाँ, एक एक भजन सुनना, माइक दे दो, इसको घुमा दो। Yeah.
ଫଳ ବିକ୍ରି ଆଣି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମଠୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ସବୁ କିଛି କାମ ହେଇନି ତୁମ ଲୋକ ଇତନେ ସାଲ ହେଉ ଯାଉଛ କହିପାରିବ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଦେଉଛୁ ପରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଚିନ୍ତା କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଦିନ ମୈୟା ଯଶୋଦା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ କହିଲେ ଏ ଦୋନୋ ଭୈୟାକୁ ଉନ୍ହେ बड़ा सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया श्रृंगार करके बोले दोनों भैया जाओ खेलो दोनों भैया अभी दोनों भैया खेलते खेलते सोच रहे हैं हमारे ऊपर में जब जब कोई विपत्ति आती है मैया गोबर और गोमूत्र से हम दोनों को स्नान कराती है बोले क्यों स्नान कराती गोबर गोमूत्र से बोले एक दिन हम जा करके स्वयं इसका आनंद लेते हैं दोनों भैया गए एकदम गोष्ठों के अंदर में जा गैया बंधे हुए थे वहाँ पर गए और वहाँ पर गोबर और गोमूत्र को पूरा अपना शरीर में उन्होंने लगा दिया है लगा करके दोनों भैया वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी देर बाद में मैया जैसे देखा ये दोनों बालक तो यही खेल रहे थे गए कहाँ मैया बुलाए बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो बोले मैया हम यहाँ पर हैं बोले वहाँ क्या कर रहे हो तो वहाँ जा कर के देखा दोनों पूरा शरीर में गोबर गो रज गो मिट्टी हैं गोमूत्र से पूरा शरीर को एकदम जैसे सुअर लौटपट खाते हैं ना पूरा शरीर को ऐसे पोते हुए मैया को तो बड़ा क्रोध आया और गए दोनों बच्चों को कान पकड़ लिए बोले क्यों रे बोले तुम सुकर हसी गत पुतना रे हे पुतना के हरी क्या तुम सुकर हसी क्या पूर्व जन्म में तुम दोनों सुअर थे जब ऐसे बोले इतने में कृष्ण ऐसे अपना सिर को हिला रहे थे बोले मैया पूर्व जन्म में मैं तो सुअर था लेकिन तेरे को कैसे पता चल गया मैं सुअर था
क्योंकि भगवान ने सत्य युग में भगवान वराह अवतार लेकर के ये पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया था हैं। इतने में मैया फिर दोनों बच्चों को लाए और उनको स्नान कराया, बड़ा सुंदर उनको श्रृंगार कराया। यहाँ पर भगवान शिक्षा दिए, बोले जो गोबर और जो गौमूत्र है ना, पहले गांव में क्या होता था, ये सीमेंट वीमेंट कुछ नहीं होता था, गोबर और गौमूत्र और गो मिट्टी से, ये मिट्टी से घर से सब पोता लगाया करते थे, पूरा दीवाल विवाल मिट्टी का होता था हैं, मिट्टी का होता था। अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके अभी गौमूत्र से हैं गो अर्क बनाते हैं। कभी जो करुणा जो है ना हैं, कहते हैं अगर रोज रोज के कोई ये गौमूत्र ग्रहण करेगा तो करुणा नहीं होगा, जो करुणा नहीं होगा, गौमूत्र में इतनी शक्ति, कहते सारी बीमारी को ये गौमूत्र सही करता है। इसलिए पहले भगवान को जो चरणामृत होता है ना, उसमें भी गौमूत्र गोबर उसमें थोड़ी सी मिलाते हैं, इसलिए किसको पहले कोई बीमारी नहीं होता था गांव में किसको, मैं तो देखा हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था हमारे गांव में। अगर थोड़ी बहुत किसी को कोई थोड़ी हुआ ना, वो देसी दवा जिसको लोग को जो थोड़ी बहुत तो पता चल है बात, उसी से ही उनकी बीमारी सही हो जाती थी। क्योंकि गोबर का जो सेवा करते हैं हमारे मंदिर में, दुर्वासा मंदिर में एक ब्रह्मचारी है, उसका नाम है कहते निपेन ब्रह्मचारी, उसको श्वास का बीमारी पहले था, कहते श्वास का बीमारी में वो बड़ा दुख उठाया, लेकिन जब उसने जाकर गैया को सेवा की, गैया की सेवा करने पर जो गौमूत्र गोबर का जो स्मेल उसका जो सुगंध ही वो अपने आप सही हो गया, शरीर इतने मोटे छोटे बन गए, हरी एकदम हेल्दी हो गई, दिन भर सेवा करता है गैया की और शरीर क्या चेहरा हो गया, इतने शक्ति ये गौमूत्र गोबर में, जिसमें कोई बीमारी है जो जो बीमारी कहीं सही नहीं होता है। इसलिए लोग पहले गैया की सेवा करते थे, कहते जिनका हाई प्रेशर है गैया को शरीर में, आप उनको शरीर को थोड़ा क्या करो सहलाओ, हाँ मालिश करो, उसको शरीर में जो वाइब्रेशन होता है ना, तब उससे कभी हाई प्रेशर दूर हो जाता है। इसलिए भगवान ने आज उन्होंने गौमूत्र गोबर को शरीर में लगा करके बताए, भैया जो हमारे गांव में कुछ लोग क्या करते थे, अपना जब स्नान करते थे गोबर को लेकर के शरीर में लगा लगा कर, उसी से जैसे हम स्नान करते हैं ना साबुन लगा कर, गोबर से लगा कर स्नान करते गोबर लगा कर। इसलिए आज भगवान कृष्ण स्वयं गोबर और गौमूत्र का महिमा को दुनिया को उन्होंने दिखाए। भगवान कृष्ण जब धीरे धीरे कृष्ण जब बड़े हो रहे थे, बड़े होने पर कृष्ण कृष्ण सोच रहे हैं जब जब मैं मैया जसोदा मेरे को गोद में जब बैठा करके कृष्ण मैया मेरे को दूध पिलाती हैं, दही पिलाती हैं, मेरे को आदर जतन करती हैं, ये ब्रज का जितने गोपियां हैं ना जो मातृस्थानीय गोपियां, इनके मन में भी इच्छा होता है कृष्ण क्या कभी हमारे घर में भी आएगा, हम भी कृष्ण को गोद में बैठा करके उनको क्या खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, दही खिलाएंगे, कृष्ण को गोद में लेकर के लाल लड़ाएंगे, क्या ये सौभाग्य कभी ऐसे होगा। आई हर ब्रज गोपियों के मन में ये भावना है। कृष्ण इनकी भावना को समझते हुए कृष्ण एक दिन अपना सखाओं को बुलाए, बोले देखो सखाओं आज ये काम एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा नया खेल, बोले हम चोरी करेंगे। बोले चोरी कोई अच्छा काम होता है, बोले थोड़ी कोई रुपया भी शायद चोरी करेंगे, अरे दूध दही मक्खन की चोरी करेंगे, ये खाने पीने का चीज जो चोरी कहते हैं वो चूस को चोर नहीं कहते। इसलिए कृष्ण ने सोचा पहला अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ मैं पकड़ में आता हूँ कि नहीं, फिर तो दूसरों के घर में चोरी करूँगा। एक दिन मैया की नज़र को बचाते हुए कृष्ण अपना घर में ही चोरी कर रहे थे, उखल ऊपर खड़े हो गए, मैया दूसरे घर में काम कर रही थी, एक हाथ से मक्खन को निकाले और कृष्ण खा रहे हैं। लेकिन नंद बाबा का घर कैसे है, बाबा नंद बाबा कौन राजा है, सब हीरे जवाहरात देकर घर बना हुआ और जो पिलर मणि स्तंभ है मणि से बनी हुई। कृष्ण जब मक्खन खा रहे थे इनका परछाई मणि स्तंभ में पड़ा। अभी तक कृष्ण 3 साल के, उनको पता नहीं परछाई भी कुछ होता है। कृष्ण ने सोचा जैसे मैं अपना घर में मक्खन चोरी कर रहा हूँ, हमारे घर में मेरे जैसे और एक बच्चा कोई आ गया वो भी मक्खन चोरी कर रहा है, वो अपना परछाई को देख करके बोले। इतने में कृष्ण ने कहा देखो भैया लगता है तो देख लिया भैया को शिकायत कर देगा,
बोले भैया तू भी खा मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। लेकिन परछाई वही बोला, बोले तू भी खा मैं भी खाता हूँ, मैया से नहीं बोलने का। कृष्ण बोले तू मेरे घर में आकर मेरे को उपदेश दे रहे हो। वो परछाई भी वही बोला, कृष्ण तो अपना परछाई से ही लड़ाई शुरू कर दी। अभी मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है ही नहीं, ये पर कृष्ण किसको साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इतने में मैया धीरे 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 आकर के देखती है, वो अपना परछाई से ही कृष्ण झगड़ रहा है। इतने में मैया आकर बोले, लाला किससे तू झगड़ रहे हो? बोले भैया मैया भी देख लिया है, ये मैया भी देख लिया है। इतने में कृष्ण छलांग लगाए, वो जो पिलर था ना, वो पिलर को इसे पकड़ लिया। बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर घुस आया है। बोले कहाँ पर? बोले भैया इसको अंदर में। बोले देखो कितने भोले वाला, अपना परछाई को कहता है कोई दूसरा आ गया। बोले घर में तो चोर आ गया, लेकिन तू बता तेरे हाथ में ये मक्खन कैसे है? तेरे हाथ में मक्खन कैसे है? बोले मैया मेरे हाथ में तुमने जो कंगन पहना दी थी ना है, ये कंगन ठंड गर्मी हो गया हाथ मेरी, और इसको मैंने मक्खन में डाल करके मैं हाथ को ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को ठंडा कर रहा था? बोले हाँ। बोले हाथ तो ठंडा कर रहा था, लेकिन तेरे मुंह में कैसे मक्खन आ गया? बोले भैया ये भी सही है। बोले मैया की चिट्ठी चल रहा था, वो चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो मुंह में मक्खन लग गया। मैया बोली, लाला तेरे को ये सब चोरी करने का क्या जरूरत है? तू मेरा अकेला लाला, जो कुछ मैं बनाती हूँ तेरे लिए बनाती हूँ, पर ये सब चोरी क्यों करते हो? कृष्ण ने कहा, जीवन में पहला बार मैंने पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ूंगा, है जिंदगी भर आऊंगा। ऐसे ही कृष्ण मैया की नजर को बचाते हुए हर ब्रज गोपियों को घर घर में कृष्ण ऐसे ही मक्खन चोरी करते थे। मक्खन चोरी का कोई लीला कोई सुना सकता हूँ? तुम्हें तो सुने बारे में, तुम हिंदी भरे पहली बार तब अनुभव अनुभव दोनों बड़े पंडित बैठे और जोर से मुंडी हिला। इसलिए हर चीज को अभ्यास करनी चाहिए, लिख करके रखनी चाहिए, नोट बनानी चाहिए। तुम सुना सकते हो राहुल? हाँ अरे कृष्ण तब कई बार मन रखना चाहिए। हरे कृष्ण। इसलिए ठीक है, बोले से मक्खन चोर भगवान की। आज मैं कथा सुनाऊंगा, कल फिर सुनाना, ठीक है? इसलिए कहते भगवान अभी घर घर में ऐसे मक्खन कृष्ण चोरी कर रहे हैं। एक दिन एक ब्रज में एक नई बहू शादी करके आई। अभी उसको पता चला कृष्ण ये घर घर में मक्खन तो चोरी करते हैं, लेकिन किसकी पकड़ में नहीं आते, कोई उनको पकड़ नहीं पाते, वो किसी ना किसी तरह से भाग जाता है। लेकिन वो जो बहू थी वो बड़े चालाक चतुर लिखी बड़ी बहू थी। बोले अपना चीज को तो खुद रह नहीं रख पाते हैं और दोष लगाते हैं कृष्ण मक्खन चोरी करता है, मैं देखूंगी कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करता है। एक बहू सवेरे सवेरे नहा धो करके है एकदम घर को सामने लठिया लेकर बैठ गई। बोले मैं देखूंगी। कृष्ण सखाओं को साथ में आए, देखा वो बहू तो एकदम घर को सामने लठिया लेकर के बैठी हुई। कृष्ण एक चक्कर लगाए सखाओं के साथ में, फिर थोड़ी देर बाद में फिर दूसरे चक्कर लगाए, देखा ये बहू यहाँ से हटी नहीं रही, वो तो वहीं लठिया लेकर बैठी हुई। फिर तीसरे बार जब चक्कर लगाए वो बहू कहती है, बोले कन्हैया आज ये डाल तेरे गले वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ, कैसे मक्खन चोरी करोगे? हैं? इतना बोलते ही कृष्ण ने कहा, गोपी हम तो किसी शुभ काम में जा रहे थे, तुमने हमें रास्ता में टोक दिया है, लगता है हमारा शुभ काम ही बिगड़ गया। बोले तुम्हारी सारे नारी नक्षत्र हमें पता है, तू किधर जाता नहीं जाता मैं सब जानती हूँ, अगर कल दोबारा इसी गली में आया ना सीधा पकड़ करके मैया को पास में सीधा ले जाऊंगी। अभी तो कृष्ण दूसरे दिन तो वो गली में ही आना छोड़ दिए, लेकिन ये गोपियां कृष्ण को देखे बगैर रह नहीं सकती है। एक प्रहर हो गया, दो प्रहर हो गया, तीन प्रहर हो गया, कृष्ण उसी गली में नहीं आए।
हैं, जब नहीं आए गोपियां तो छटपट छटपट करने लगे। क्यों? कहते गोपियों का प्रेम कैसे प्रेम है, इसलिए गोपी गीत में कहती हैं, भले त्रुटि जुगायते त्वांगमप सता कोटेल को कलाम प्रेम का चले जरा उदीतताम पास्म के दृताम कोटेल को कलाम प्रेम का। श्री गोपी गीत में गोपियों के प्रेम की महिमा बता रहे हैं। चार माधुर्य में एक प्रेम माधुर्य है। प्रेम माधुर्य का क्या लक्षण है? जब कृष्ण गैया चराते हुए शाम को जब वापस आते हैं गैया चरा करके, कृष्ण बड़े सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुन करके सब गोपियां अपना घर का सारे काम धंधा को छोड़ करके घर को सामने आ जाती हैं और अपना घूंघट उठाकर कृष्ण को दर्शन करती हैं। दर्शन करते समय उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुंह कैसे, मुख कमल कहती मुख कमल जैसे, कहते उसमें जो कृष्ण की जो घुंघराली केस कैसे है, जैसे मानो कमल के ऊपर में जैसे ये भौरा बढ़ जाता है। कहते गैया का खूर से जो धूल उड़ा, जैसे मुंह में पाउडर लगाते हैं ना, ऐसे जैसे वो पाउडर लगा करके रखे। और गोपियां जब वह रूप का दर्शन करके जब उनका आंखों की पलक झपती हैं, वो इतने तेजी से पलक झपती पता नहीं चलता है, लेकिन उतना समय भी कहते त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम, भले हे श्याम सुंदर तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने सुंदर दर्शन करने के लिए दो ही आंख दिए, और उसमें क्या होता है बीच बीच में उसमें पलक भी, बीच बीच में उसमें पलक भी झपती है, और ब्रह्मा को निंदा करती है, बोले त्रुटि जुगायते माने करोड़ों युग बीत जाता है तुम्हारा दर्शन नहीं किया, इनके प्रेम ऐसे। और फिर कृष्ण अगर तीन प्रहर तक नहीं आए, ये गोपियां तो छटपट 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 करने लग जाती हैं कृष्ण के दर्शन के बगैर, और सबके सब झुंड के झुंड बना करके मैया जसदा घर में आ जाती है, बहाना बना करके है, बहाना बना करके आ जाती है कृष्ण को दर्शन करने के लिए। और जैसे कृष्ण इधर खड़े हुए, मैया जसोदा इधर खड़ी हुई, शिकायत तो मैया जसोदा करेंगे, लेकिन कृष्ण को देखती रहती हैं और इधर बोलती हैं, बोले मैया जसोदे, बोले क्या बात है, बोले लगता है हमें तो ये गोकुल छोड़कर के और किसी कहीं जाना पड़ जाएगा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तुम्हारी लाला कन्हैया हमें बड़े तंग करता है, घर घर में मक्खन चोरी करता है ये। बोले चोरी करता है मक्खन लाला, तुम मक्खन चोरी करते हो? बोले मैया मैं कभी जाता ही नहीं घर छोड़कर कभी, ये तो गोपियां झूठ ऐसे बोलती रहती हैं। बोले मैया ने कहा देखो अगर कृष्ण मक्खन चोरी करता है एक काम करियो, मक्खन को छीके के ऊपर रख देना बड़ी ऊंचाई, अब मेरे लाला तो 3 साल का छोटा बच्चा थोड़ी वहाँ हाथ पहुँचेगा। बोले मैया हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर, बोले लाला को परमात्मा ने इतने दिमागदार बनाया, ये क्या करता है, ये बलदेव प्रभु को नीचे बैठा देता है, वो मोटे से उसको ऊपर मधुमंगल चढ़ जाता है और इसको ऊपर ये खुद चढ़ जाता है, अगर नहीं तो श्रीदाम को चढ़ा करके खुद चढ़ जाता है, हैं चढ़ करके एकदम मटकी को उतार करके सब खा लेते हैं। बोले और थोड़ा ऊंचाई में रख लेना, फिर हाथ नहीं जाएगा। बोले मैया वो भी करके देख लिया। बोले फिर कहते हाथ में डंडा ले जाते हैं, हैं डंडा ले करके ना ऐसे ऐसे बजाते हैं, हैं बोले एक काम करो नीचे मत रखना माल को और ऊपर में नहीं रखना, बीच में माल को रखना, फिर तो कुछ होगा नहीं। बोले मैया आपने को भी करके देख लिया। बोले फिर, बोले डंडे से ऐसे मारते हैं, और जिसमें माल हो ना उसमें आवाज़ नहीं होगा, हैं, और जिसमें माल है ना ठन ठन आवाज़ होगा, वो तो पता चल जाता है माल किस में रखा हुआ, और डंडा उसमें ही मार करके एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते, पूरा के पूरा मुँह लगा करके अंदर में सटका जाते हैं, इसलिए पूरा के पूरा खा जाते हैं, बूंद गिरने नहीं देते। मैया ने कहा एक काम करियो, मेरे जो लाला है ना ये अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार में रख लो फिर तो चोरी नहीं कर सकता है। बोले मैया हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर, बोले फिर क्या,
तुम जो लाला का शरीर में हीरे जवाहरात को पहनाती हो, कहती ये तो घर में घुसते ही अपने आप उजला हो जाता है। बोले इसको मैं उतार दूं? बोले भैया तेरे सौगंध हाथ मत लगाई हो, तुम्हारी लाला का जो नख है ना, ये नख से जो ज्योति निकलती है। कहते जिसको ब्रह्म कहते वो कौन है? बोले जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तत्पस्य तनुभा। कहते भगवान की जो अंग कांति, ये जो नख की जो छटा है ना, वही ज्ञानी लोग उसको ही ब्रह्म रूप में ध्यान करते हैं। वो इतने नख की छटा में इतने प्रकाश है, वो घर पूरा के पूरा उजाला, वो घर पूरा उजाला हो जाता है। मैया ने कहा देखो फिर तो एक काम करियो। बोले क्या है? बोले मेरे लाला जितना तुम्हारे घर में मक्खन खाता है ना, मेरे घर से दो गुना ले जाएगा, हैं? तब तो शांत होगी ना। बोले मैया तेरी आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से, नारायण के आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए कृष्ण को दर्शन करके गोपियाँ तो शिकायत नहीं, कृष्ण को दर्शन करके परितृप्त होकर के गोपियाँ चली जाती हैं। एक दिन कृष्ण हर घर घर में मक्खन चोरी करते थे, एक दिन कृष्ण जब एक घर में गए, एक गोपी ने किया कि पहले से मटकी में मक्खन को धर दिए, बोला आज कृष्ण को पकड़ करके ना मैं बांध करके रखूंगी। और वो गोपी घर की कोने में छुप करके बैठी हुई, और कृष्ण इतने में धीरे धीरे बिल्ली जैसे धीरे धीरे कृष्ण गए और जा करके खूब मक्खन खाए। वो गोपी तो कृष्ण के लिए बनाया था, कुछ बोली नहीं, बोले खा ले फिर मैं पकड़ूंगी। पकड़े क्या करूंगी? एकदम पास से बैठ करके ना कृष्ण को खूब निहारूंगी, कृष्ण को देखूंगी मन भर करके, इसलिए कृष्ण को बांधना पकड़ना चाहती है। इतने में कृष्ण जब मक्खन खा लिए, इतने में वो गोपी गए झट पकड़ लिया। बोले कहाँ जाओगे? रोज घर में मक्खन चोरी करके खाते हो, आज तेरे को मैं बांध करके रखूंगी, चल अंदर में अभी ले करके। बोले ये खंभे में हाथ रख, और अपना चोटी से रिबन को निकाला, हैं? रिबन को निकाल करके जब कृष्ण को वो खंभे में बांधने के लिए गई, कृष्ण का हाथ तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, हैं? जब बांधने के लिए गई बंधे ही नहीं जाए, खिसक जाए खिसक जाए। कृष्ण कहते हैं गोपी कभी जिंदगी में तुम बंधी गई हो? बोले नहीं। बोले जब खुद बंधी नहीं जाओगे दूसरे को बांधोगे इसे? बोले तेरे को बांधना आता है? बोले और क्या? बोले सिखा दे। बोले हाथ रख, अभी सिखाता हूँ। अभी वो गोपी हाथ रखे, कृष्ण एक बार लपेट, दो बार लपेट, एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या? तेरी बात क्या, मैं तो अपना प्रेम से सुखदेव गोस्वामी जैसे, शंकर जैसे, चतुसन जैसे, कहते आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अभि उरुक्रमे कुर्बन अहित की भक्ति इतम भूत गुणहरी। भगवान की जो गुण है, उनको जो लीला है, कहते बड़े बड़े आत्मा में रमन करने वाले व्यक्तियों को भी मैं अपना प्रेम में बांध देती हूँ। बोले कन्या खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं किसको खोलना सिखाई नहीं, सबको बांधना ही सिखा, बस उनको दोनों हमको दिखाए, 9-10-11 वहाँ से हो गए, हैं? ऐसे ही कृष्ण रोज रोज लीला करते हैं। एक दिन सब गोपियों ने बैठ करके मीटिंग किया, बोले ये किसी तरह से बांधने में नहीं आते हैं, पता नहीं कब आकर कैसे भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। एक मीटिंग किया सब गोपियों ने बैठ करके, बोले बताओ ऐसे क्या उपाय है उसको पकड़ में आए। गोपियों ने बोले देखो एक तो उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले छिके के ऊपर में ना एक घंटा लटका दो, हैं? एक बेल लटका दो, जब कृष्णा आएगा मक्खन खाएगा ना, वो बेल अपने आप बजेगी, बेल बजेगी तो अपने आप पता चलेगा कृष्णा आया, फिर पकड़ लेंगे। उन्होंने बेल लटका दी, कृष्णा जब आए, बोले भैया ये क्या है, ये बेल क्यों लटक रहा है, ये तो नया कोई फांद खेले है, कोई नया फांद रचाए। कृष्ण ने कहा बेल भैया, लेकिन वहाँ के बैल कैसे, साधारण थोड़ी सो बलदेव प्रभु का प्रकाश है। इतने में कृष्ण ने कहा भैया तुम कौन हो? बोले मैं आपका दास हूँ। बोले मैं कौन हूँ? बोले आप मेरे प्रभु हो। बोले ये बताओ ये दास का प्रभु का प्रति क्या कर्तव्य है? बोले आदेश पालन करना। बोले ठीक है देख, जब तक ये मक्खन खाऊंगा ना तब तो बजना नहीं, जब मैं मक्खन करके भाग जाऊँ फिर बजना। बोले ठीक है प्रभु कोई बात नहीं। कृष्णा मक्खन को निकाले, निकाल करके नीचे उतारे, और जब खाने लग गया ना
बेल तो अपने आप बजी उठी। कृष्ण ने कहा बेल क्या भैया तू क्यों बज रहे हो, बोले प्रभु आपको पता नहीं जब तक पुजारी बेल नहीं बजाता है ना तब तक भोग नहीं लगा आपका है, इसलिए बेल बजेगा तब तो भोग लगेगी। बस कृष्ण जल्दी जल्दी मखना खाए और भाग गए, और गोपियां आकर के देखती कृष्ण ही नहीं। एक दिन एक गोपी वो गई थी यमुना में पानी भरने के लिए, पानी भर के जब वो गोपी आई देखा कृष्ण उसको घर में बैठ कर मखन खा रहा है, बोले ये तो किसी तरह से पकड़ में नहीं आता, एक काम करता हूँ इसको मैं ताला बंद करके चाबी काठी लेकर के मैया जसोदा को बुला करके ले आऊंगी, फिर दिखाऊंगी देखो तेरे लाला क्या करता है। बात झट उन्हें दरवाजा बंद कर दी, बंद करके उसने ताला बंद कर दिया और चाबी काठी लेकर बोले मैया को बुला करके मैं दिखाऊंगी। जब वो चाबी काठी बंद करके जसोदा को पास में जब आया ना, देखा कृष्ण अपना घर में कुछ नटखट कर रहा था और मैया तो कृष्ण को घर में उखल में बांध करके रखा, कृष्ण बंधा पड़ा हुआ। वो गोपी तो चक्कर में पड़ गई, बोली ये क्या, कृष्ण को तो मैंने वहाँ पर घर में ताला बंद करके चाबी काठी लेकर के आया और कृष्ण यह बंधा कैसे पड़ा हुआ, क्या ब्रज में कृष्ण दो हो गए हैं। तब ये आश्चर्य बात उन्होंने दूसरे गोपी को पास में बोलने के लिए गई, मैं दो कृष्ण को देखा। जब उसी घर में गई देखा उसी घर में उसको बच्चे को साथ में कृष्ण खेल रहे थे, बोले अरे एक कृष्ण तो घर में ही, ये कृष्ण, ये तीन कृष्ण कैसे। ये बात जब उन्होंने तीसरी घर में बताने के लिए गई देखा कृष्ण उसके घर में बच्चे के साथ में खेलते हुए। अभी जिस घर में जाए उसी घर में कृष्ण को नई नई लीला करते हुए देखा। इसका इसको देखते ही गोपी तो वहीं पर बेहोश हो गई, बोले मैं क्या देख रहे हूँ घर घर में ही कृष्ण। जब उसको होश आया ना कृष्ण ने कहा गोपी तो ये मत समझो मैं तुम्हारी घर में लीला करता हूँ, नहीं ये सब ब्रज वासियों का घर घर में मैंने लीला करता हूँ। बोले क्यों, बोले गोपियाँ मेरे को घर में बड़े प्रेम से बुलाती हैं, ऐसे भजन है, बोले आओ मेरे अंगना में, क्या आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यारे को करिया जा, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल गोपाल दर्शन के प्यारे को करिया, कोरी कोरी मटकी में भोली वाली गैयन के, कोरी कोरी मटकी में भोली वाली अधेरे लिए धनी धनी राखी नंदन लाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासे को जय आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासे को करिया जाल, आज मेरे अंगना में आयो गोपाल दर्शन के प्यासे को करिया जाल। ये भजन में गाती है, बोले गोपियाँ तुम लोग रोज रोज नए नए मटकी में मेरे लिए दही दूध मक्खन रख करके मेरे को बड़े प्रेम से बुलाती हो, बता मैं नहीं आऊँ तो क्या करूँ है, इसलिए घर घर में मैं इसे लीला करता हूँ। इसलिए एक दिन मैया कृष्ण से बोली, बोले कृष्ण लगता है तेरा शादी होना कठिन होगा, तुम्हारी शादी वादी नहीं होगी। बोले मैया मेरी शादी नहीं होगी, बोले शादी कैसे होगी बताओ, सारा दुनिया कहते तो चोर घर घर में मक्खन चोरी करते तो बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा, लगता है कुआर का कुआर रहोगे तेरी शादी वादी नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया कि जगत में लोग इतने क्यों परिश्रम करते, बताओ कितना इतना लिखाई पढ़ाई क्यों करते हैं, बता घर दुकान मकान क्यों करते हैं, लास्ट है ना लक्ष्य है शादी हो जाए, है बढ़िया जगह पर शादी हो जाए घर में बहू आ जाए, है कहते सारा दुनिया तो लिखाई पढ़ाई दुकान मकान घर किस लिए बनाते हैं, वो शादी हो जाए घर में बहू आ जाए, अब तू कहते मेरी शादी नहीं होगी। फिर तो कृष्ण सोचा
अरे मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दू ना, मैया को ये विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। हे कृष्ण क्या गजब की उन्होंने उदाहरण दिया है, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन मैया ये बताओ मेरे कम मक्खन खाए। बोलो भोर भयो गई अनक पाच मधुबन मोहि पठाए, भोर होते ही तुमने मेरे को मधुबन भेज दिया और चार प्रहर बंसी बट भट को सांझ पड़ो घर आए। इसलिए सारा दिन गया चराते चराते शाम को मैंने वापस आया और आकर क्या किया तेरे गोद में सोया। दिन भर गया चराया शाम को आया तेरे रात भर तेरे गोद में सोया। बताओ भैया मैंने मक्खन कब खाया। बोले तेरे मुंह में हाथ में जो मक्खन लगा रहता है। तब कृष्ण कहते हैं मैं बालक बहियन का छोटो काहे विधि चिका पाए, कभी इतने दूर में मक्खन रखते हैं मैं इतना छोटा सा बालक को बताओ मेरे हाथ कैसे वहां पर पहुंचा। कहते ये जितने ग्वाल बाल सब बैर ही पड़े हैं, ये जितने ग्वाल बाल है ना सब मेरे पीछे बढ़ गए, सारे मेरे शत्रु बन गए और बरबस मुख लपट आयो मेरे मुंह में जोर जबरदस्ती मक्खन को लगा करके खुद खा करके मेरे को चोर बना देते। इसलिए कृष्ण कहते मैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कहीं फेंक दिया था तूने उठा करके मेरे को लालन पालन कर रही हो, क्यों दुनिया मेरे को चोर कहता है तू भी मेरे को चोर कहते हो। इतना बोलते ही मैया का हृदय तो पानी पानी हो गया। इतने मैया कृष्ण को गोद में भर लेती है, बोले नहीं लाला तेने मक्खन चोरी नहीं की। फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खाया, मैया मोरी मैंने ही मक्खन खाया। कहते मैया मैंने ही मक्खन खाया है। कहते यहाँ पर कृष्ण ये जो मक्खन चोरी किया इसका तात्पर्य किया है, कृष्ण ये मक्खन चोरी क्यों करते थे ध्यान देकर सुनो, कल सबको पूछूंगा देखो कौन उत्तर देता है। देखो ये कथा के बाद में ना कुछ दिन बाद में और एक भागवत कथा होगा है, वो भागवत कथा होगा तो तुम लोगों को मैं एक एक सब्जेक्ट दूंगा कौन सा सब्जेक्ट ऊपर कौन कौन बोलेगा, ठीक है सबके सब कोशिश करना उसी से सब्जेक्ट के ऊपर में बोलने के लिए पहले बोल दूंगा तुम ये बोलना तुम ये बोलना तुम ये बोलना, ठीक है। देखो यहाँ पर कहती ये मक्खन चोरी कृष्ण क्यों किया है, कहती इसका नाम है मक्खन, मख मतलब होता है क्रोध और ना मतलब होता है नहीं है। कहती कृष्ण किस चीज को चोरी करते हैं, बोले जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, कृष्ण उसी चीज को चोरी करते हैं। बोले ये काम क्रोध लोभ किस कहाँ पर नहीं, बोले भक्तों का हृदय में नहीं। इसलिए बोले संत हृदय नव नीत समाना, इसलिए उदाहरण दिया है संतों का हृदय ही ये मक्खन जैसे है। और संतों में सबसे बड़े संत कौन है, ये ब्रजवासी। अब ब्रजवासियों में ब्रज गोपी ही जगत में सबसे बड़े संत ब्रज गोपियां हैं। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं, कभी ये ब्रज गोपियों के हृदय को चोरी प्रभु करने के लिए जाते थे। जो दुनिया का मालिक है विश्व ब्रह्मांड चीज का अंदर वो चोरी किस चीज करेगी। इसलिए केवल भक्तों का प्रेम कोई हृदय को चोरी करने के लिए भगवान जाते थे। इसलिए उदाहरण देकर समझाए, जैसे जब हम मक्खन बनाते हैं कैसे मक्खन बनाते हैं, पहले पहले दूध को लाओ और दूध को ला कर क्या करो, पहले दूध को गर्म करो। पहले दूध को गर्म करना मतलब क्या है, पहले जब किसी साधक का हृदय में भगवत प्राप्ति की जो उत्कंठा है वही उत्कंठा ही ये गर्म है। अभी जो उत्कंठा उसमें जमन डालो है, जमन कभी ये जमन किया है
बोले भगवत इच्छा से उनको सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु से जो मंत्र ग्रहण करते हैं यही मंत्र ही ये जमन है। अब ये दही जम गया, दही जम गया तो फिर उसको क्या करो, उसको मंथन करो। बोले मंथन करना मतलब क्या है, बोले जैसे गुरुजी से हमने मंत्र लिया, भगवान का नाम को लिया, फिर क्या करो उसको साधन करो। साधन इसका मंथन है, इसलिए हमें साधन करनी चाहिए। मंथन करोगे एक तरफ में मक्खन निकलेगा और एक तरफ में छाछ, बोले ये मक्खन क्या, बोले प्रेम। जब हम साधन करेंगे भगवत नाम को फिर प्रेम प्रकट होगा। प्रेम का एक लक्षण है श्री कृष्णा कसनी चसा, इसलिए प्रेम क्या करता है भगवान को बलात् आकर्षण करता है ये प्रेम। इसलिए ये गोपियां कृष्ण को घर में नहीं, कृष्ण गोपियों को घर में आते थे, क्यों, इनके हृदय में प्रेम है। इसलिए कृष्ण क्यों आते थे, ब्रज गोपियों की प्रेम को आस्वादन करने के लिए कृष्ण आते थे। और घर घर में कृष्ण ये मक्खन चोरी करते थे, मक्खन मतलब भगवत प्रेम को ही, मक्खन मतलब प्रेम को ही भगवान ग्रहण करने के लिए आस्वादन करने के लिए आते थे। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। हर कोई बढ़िया भजन गा सकते हैं, अच्छा भजन, कोई अच्छा भजन काफी बढ़िया से बोले, क्या याद है माइक कर दो। हाँ क्या कह, हाँ कह पर अनुपम माधुर जोड़ी, हर जल जल्दी गाँव से लेट हो रहा है। अनुपम गाओ, शुरू करते तुम गाओ। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, गाओ। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की,
साढ़े घंटे देखो मत देख कई बार पाँच मिनट दस मिनट कई बार कि नहीं मत देख हाँ कि नहीं को हाँ हरे कृष्णा। इसलिए जब कृष्णा घर घर में जब कृष्णा मक्खन चोरी कर रहे थे एक दिन मैया जसोदा ये सोच रही हैं क्या सचमुच से मेरे लाला घर घर में मक्खन चोरी करता है। ऐसे हो सकता है मेरे घर का मक्खन खट्टा होता होगा और ब्रज गोपियों का घर का मक्खन मीठा होता होगा। इसलिए कृष्णा दूसरे घर में जाकर के मक्खन चोरी करते हैं। लगता है मेरे घर का जो दासियां हैं ठीक ठीक से ये मक्खन निकालना इनका आती नहीं। एक दिन मैया ने किया कि सब गोपियों को बोले तुम घर में जाओ और कहते मैया नंद बाबा का घर में 9 लाख धेनु थी। कहते उसमें केवल 8-10 ऐसे धेनु थी जैसे जिनकी गैया का कान श्याम रंग का हो। कहते उसका जो दूध है उससे कमल फूल का खुशबू निकलता है इसलिए वो गैया को कहते पद्म गंधा गाभी। इसलिए मैया स्वयं अपना हाथ से दूध को निकाली और अच्छे तरह से बसा दही हम उड़िया में कहते ना बसा दही। इसलिए अच्छे तरह से कंडे में एकदम दूध को बैठा करके जैसे एकदम लाल हो जाता है एकदम दही जब लाल हो गया बसा दही बना करके ठीक दूसरे दिन अगर 2-3 दिन रह जाए तो वो खट्टा हो जाता है। आज जमाओ कल उसको निकालो वो मक्खन मीठा रहता है। इसलिए मैया जसोदा एकदम सवेरे सवेरे उठ गई और सवेरे सवेरे उठ करके स्वयं दधि मंथन कर रही हैं और अपना मुंह से भगवान का कृष्ण कीर्तन कर रही थी। बोले गोविंद दामो धर्मा माधवे की गोविंद दानो धर्म
लोग दो अंगुलों की वो काम पड़ा था उसको विस्मरण बोलना, ठीक है। हाँ, इसको याद कर अच्छा तरह से। अभी मैया जशोदा दधि मंथन कर रही थी, इधर कृष्ण का सुंदर कीर्तन गा रही थी। कृष्ण ने नींद खुल गई, देखा मैया कहाँ है, देखा मैया बैठ करके दधि मंथन कर रही हैं और कृष्ण कीर्तन गा रही हैं। इसलिए मैया कहती हैं, हाथों में जो कर कृष्ण सेवा करो और उनमें भगवान का नाम जप करो। अगर हाथों में सेवा मुंह में अगर प्रभु का नाम लोगे उसका फल क्या है, बोले कृष्ण दर्शन। इतने में कृष्ण पीछे पीछे आए और मैया को पीछे पकड़ लिए, बोले मैया मैया मेरे को तो भूख लग रही है, मेरे को दूध पिला दे। बोले लाला तेरे को दूध भी पिलाऊंगी, तेरे को मक्खन भी खिलाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी रुक जा, क्योंकि सूर्य उदय होने पर मक्खन नहीं निकलेगा है, इसलिए फिर वो मक्खन बड़े नरम होता है मक्खन, इसलिए वो फिर मक्खन नहीं निकलेगा, इसलिए थोड़ा रुक जा। बोले मेरे को भूख लग रहा है मैया, के रुक रहा। इतने में देखा इसका दधि मंत्र बंद कर दूं फिर तो मेरे को दूध पिलाएगी। सामने आई, दोनों हाथ से रई को पकड़ दी। बोले बाबा बड़ा दिमागदार इस बेटा का दिमाग है, इसलिए मैया अपना गोद में कन्या को बैठा करके इधर दूध पिला रही थी, बारम्बार कृष्ण का मुख चुंबन कर रही थी और कृष्ण का रूप का दर्शन कर रही थी। जब दूध पिला रही थी उधर मटकी में दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी, इसलिए वो दूध उफन उफन करके आग में गिर रहा था। क्यों? जीव गोस्वामी कह रहे हैं दूध सोच रहा है मेरा जीवन तो बेकार है, लगता है कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले कृष्ण का पेट कितना बड़ा, बोले विश्व ब्रह्मांड जिनके पेट में। बोले ये कृष्ण कभी ये विश्व ब्रह्मांड, इसलिए कृष्ण का पेट कभी भरेगी नहीं। बोले मैया जशोदा का स्तन कितने दूध है, बोले खीर समुद्र भी समा जाएगी है, इसलिए कृष्ण का पेट भी भरेगा नहीं, दूध भी खत्म नहीं होगा, लगता है कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा है अपना शरीर को मैं अग्नि में दाह कर दूं। लेकिन मैया बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, बोले रुक जा बेटा तेरे को मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगी। बोले कन्हैया थोड़ी सी गोद से उतर। बोले आधा पेट नहीं भरा, गोद से उतर जा, भर पेट पिला करके जाया करो। मैया ने देखा यहाँ फूत भी उतर रहा है, उधर दूध भी उतर रहा उफन रहा है, क्या करनी चाहिए। बोले अगर मेरे स्तन में जो दूध कभी मैं पिला सकती हूँ, अगर वो अगर उफन कर गिर गया तो मलाई नहीं बनेगी, फिर उसमें मक्खन नहीं बनेगा, अगर आग अगर दूध में गिर जाती इसको अमंगल मानते हैं, फिर बच्चा का अपशगुन बच्चा का अमंगल होगा। इतने मैया जशोदा कृष्ण को जोर जबरदस्ती बैठा करके जब दूध रक्षा करने के लिए गई, कृष्ण को बड़ा क्रोध आया है। बोले कितना दूध को तू रक्षा करोगी, पूरा उन्होंने मटकी पटकर पकड़ करके हिलाया, बोले इसको मैं एकदम पलट दूं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। देखा वहाँ पर एक सील नोड़ा पड़ा हुआ था, उठाया और मारे मटकी में, मारते ही मटकी फूट गई और उसमें छाज बन गया था, धीरे धीरे निकल रहा था। कृष्ण बड़े खुश हुए, मटकी मैंने फोड़ दी है, मटकी मैंने फोड़ दी। थोड़ी देरी बाद में सोच रहा है मैया आएगी तो एक डंडा नीचे नहीं गिरेगा, पीठ के ऊपर गिरेगा। फिर कृष्ण वहाँ से दूसरे घर में गए, उखल ऊपर खड़े होकर के वहाँ मक्खन निकाल करके जितने कौए बंदर को बुला करके उन्होंने कौए बंदर को मक्खन खिला रहे थे। ये कौए कौन हैं? काक भूषण के वंशधर जो कृष्ण कथा सुनाते हैं। ये बंदर कौन है? हनुमान के वंशधर जो रामावतार में बड़ी सेवा की। बोले तभी तो मैं सेवा नहीं कर पाया, आओ कृष्ण लीला में तुम्हें मक्खन खिलाता हूँ। इसलिए इतने में मैया जशोदा जब थोड़ी देर में आती है, देखती है मटकी फूटी हुई, चारों तरफ में दही बिखरा हुआ है, और मैया ने देखा ये दुष्ट गया तो गया कहाँ है, ये बड़ा दुष्ट हो गया, कुछ दंड देनी चाहिए। वहाँ से एक उठाया लकुटी उठाए और उन्होंने पीछा किया, कहाँ पीछा किया, चोर जब चोरी करता है वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता है, सीआईडी उसको पकड़ ही लेता है, हैं? कृष्ण तो सबसे बड़े चोर है, लेकिन उनने चरण चिन्ह उनका जो चरण में दही लगा हुआ था उसका छाप पड़ते पड़ते गया था। कृष्ण यहाँ शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा ये देते हैं, तेसाम सतत जुक्ता नाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जनमाम उपजा देते। इसलिए जमे भय से वृणते तेने लभ्य तसई से आत्मा विमृणते तन्युसाम। जब तक भगवान कृपा करके स्वयं को पकड़ में नहीं आए, स्वयं उनको जगत में किसी का हिम्मत नहीं उनको कोई पकड़ सके हैं। जानते हैं मैया मेरे को तो ढूंढेगी, लेकिन जो मेरे को ढूंढता है उसके लिए मैं रास्ता बना कर रखता हूँ, ये चिन्ह है। जब धीरे धीरे गई, इतने में बंदर को भी एक खिसकने लग गई। कृष्ण ने देखा मैया तो नहीं आ गई,
जब उनने पीछे इसे मोड़ करके देखा, इतने में देखा सचमुच से मैया पीछे खड़ी पकड़ने वाली, इतने में कृष्ण छलांग लगाए और मेन रोड में निकल गए। बोले मेन रोड में क्यों निकले? बोले मेन रोड में पुरुष लोग रहते हैं, मात स्त्री मेन रोड में जाएगी नहीं। लेकिन उसी दिन था दीपावली, गांव के सब लोग दीपावली मनाने के लिए चले गए थे, कोई पुरुष नहीं थे। मैया बोली जाओगे तो जाओगे कहाँ, आज कोई पुरुष नहीं, आज तेरे को मैं पकड़ करके रहूंगी। मैया तो पीछे भागी पकड़ने के लिए, लेकिन मैया तो थोड़ी सी मोटी थी, थोड़ी दूर चलते ही मैया तो हाँपने लग गई। मैया की चोटी में सुंदर फूलों की माला थी, एक एक फूल गिरते गिरते जा रहा था, मानो फूल ये बता रहा था तू अकेले नहीं, तेरे साथ में हम भी है, आज सब मिल करके हम तुम कृष्ण को आज हम पकड़ेंगे। इतने में कृष्ण ने सोचा मैया को कब तक मैंने भगाऊं, हैं कब तक भगाऊं। इतने में मैया ने उठाया लकुटी, बोले कन्हैया खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में डंडा देख रहे हो, अभी मार कर फेंकू अभी। कृष्ण इतने में हाथ ऐसे कर खड़े हो गए, बोले मैया मैं तो खड़े हो जाऊंगा लेकिन पहले ये लठिया फेंक दे। बोले तेरे को मैं थोड़ी मारूंगी, तेरे को पूजूंगी, हैं अभी तेरे को मैं पूजूंगी। इतने में जाकर कृष्ण को पकड़ लिए, और जब पकड़ लिए, इसलिए सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं, रोदंत मोर नेत्र जुगमां मृजास्ताम् मोर स्वास दोनों आंखों से गंगा जमुना जैसे धार से असुर विसर्जन हो रहा था। कृष्ण आंख को मसल रहे थे, मोटी मोटी काजल लगी हुई, मानो गंगा जमुना की धार बह रहा है, और मुहूर्त श्वास कंप बारंबार वो दीर्घ श्वास को ले रहे थे, रो रहे थे। इतने में मैया ने बोले बताओ ये मटकी फोड़ी किसने। कृष्ण बोले मैया सच सच बताओ ना, झूठ बताओ। बोले झूठ क्यों, सच बता, किसने मटकी फोड़ी। बोले मैया जब तू दूध रक्षा करने के लिए भाग रहे थे ना, और इतने प्यार में इतने मोटे मोटे जो कौड़ूले पहन कर रखी थी, वो तेजी से भाग रही थी, वो कौड़ूले लगा मटकी फूट गई, मैंने थोड़ी मटकी फोड़ी। बोले तो बड़ा दुष्ट है, मटकी खुद फोड़ेगा तो मैंने मटकी फोड़ी। बोले ये बंदर को कौओं को किसने खिलाया। बोले बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले बड़े बड़े बात करना जानता है। बोले बताए देखो तू तो हैं, तू तो बहुत बड़ा चोर है। बोले मैं चोर हूँ, नंद बाबा राजा का बेटा मैं चोर हूँ। कृष्ण बचपन में सुना था उनका एक मामा का नाम था चोर गोप। बोले तेरे घर में कोई चोर गोप होगा, मेरे घर में नहीं, मैं तो राजा की बेटा हूँ। बोले पता नहीं ये कहाँ से सब बात सुन गया। बोले तू बंदर का दोस्त है। बोले अगर मैं बंदर का दोस्त, मेरे को छोड़ दे, बंदर के साथ में रहूंगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा। मैया ने देखा बच्चे को जो क्रोध आए ना, दिमाग में जो है सो कर डालता है। बोले थोड़ी समय के लिए बांध देती हूँ, थोड़ी देर बाद में क्रोध शांत हो जाएगा। फिर उन्होंने अपना चोटी से रिबन को फीता को निकाले, निकाल करके बोले तू खल और उद्दू खल। जब बांधने के लिए गई उसमें दो अंगुल कम पड़ गया। बोले और एक ले आओ, और एक गांठ लगा, फिर दो अंगुल कम पड़ गई, फिर सारे रस्सी खत्म, लेकिन दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं पड़ी। इतने में मैया जसोदा गोपियां कह रही थी, बोले मैया तेरे लाला की ललाट में विधाता बंधन नहीं लिखा, तू बांधेगी कहाँ से। बोले नहीं बांध सकती, बांध करके रहूंगी, हाँ जो कुछ हो जाए। लेकिन जब किसी तरह से बांधने में नहीं आई, मन मन में गृह देवता जो सालग राम है उनको चरण में शरणागत हो गई है, प्रभु सवेरे से शाम हो गया अभी तक मैं इसको बांध नहीं पाई हूँ, मेरे लाज को बचाओ। बोले माता परिश्रम दृष्टा कृपया आसीत सबंधने, माँ की परिश्रम देखकर भगवान स्वयं कृपा करके बंधन को उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए उसमें दो उंगुल क्यों कम पड़ गया था। बोलो कौन बोलेगा, तुम दोनों हीरो में कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, खड़े हो जाओ। हाँ तुम बोलो, ठीक है तुम कल बोलना, तुमको समय दिया है, ठीक है कल बढ़िया पढ़ करके आना, अच्छे तरह से बोलना कल, ठीक।
ठीक है, इसलिए दो अंगुल क्यों पड़ गया, कल ये बोलेंगे दो अंगुल क्यों पड़ गया, क्योंकि टाइम हो गया है, इसलिए गिरिराज जी कथा सुनेंगे फिर कथा को विश्राम दे देंगे। इसलिए मैया जैसे जब बांध दी इतने में, बोले तू बंधे पड़े रहो, मैं घर का काम करती हूँ। सखा लोग आए, कोशिश किया बांधने के लिए, बांध उनको खोलने के लिए, खोल नहीं पाए। क्यों? वो प्रेम की बंधन, बात्सल रस की प्रेम है, और ये सख्य रस का लोग है, इसलिए उनको खोल नहीं सके। इतने में दोनों वृक्ष सामने देखा, जमला अर्जुन वृक्ष, ये नल कुबेर मुनि ग्रीव नारद मुनि के अभिशाप से वृक्ष बने हुए थे। नारद जी बताए थे कृष्ण का चरण स्पर्श उद्धार होगा, इसलिए सखाओं को बोले सखाओं धक्का लगाओ। करते करते जो दोनों वृक्षों को अंदर में जब गए और अटक गया उदुखल, थोड़ी सी ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष दोनों तरफ से गिरे, धड़ाम करके आवाज हुई। नल कुबेर प्रकट होकर परिक्रमा करके चले गए दक्षिण दिशा में। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बोले इतनी जोर से कहाँ से आवाज हुई, क्योंकि सत्यजू का वृक्ष था, विशाल वृक्ष। इतने में नंद बाबा सबसे पहले आए और देखा कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में फंसे हुए, थोड़ी सी इधर उधर होता था लला का राम नाम सत्य हो जाता। इतने में नंद बाबा दौड़ दौड़ करके आए, आकर के जल्दी जल्दी उन्होंने रस्सी को खोल दिया और पकड़ से एक लड्डू निकाल करके दिया। बच्चों का स्वभाव है, अगर मैया अगर शासन करे ना, अगर पिताजी थोड़ी प्यार करने लग जाए, बच्चे रोने लग जाते हैं। कृष्ण तो रोने लग गए। कृष्ण नंद बाबा बोले बताओ किसने तेरे को बांधा, बोले मैया, बोले खोला किसने, बोले पिताजी, बोले खूब मैया 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 करते हो, बताओ किसको पास में रहोगे, बोले पिताजी को पास में रहूँगा और बाबा को पास, मैया को पास में नहीं जाऊँगा, मैया मेरे को मारती है। इतने में मैया आ गई, नंद बाबा तो खूब डांट लगाई, एक दो मटकी तो फड़ा होगा और तो कुछ नहीं, इतना बड़ा दंड। अगर वृक्ष थोड़ी सी इधर उधर होता तो लाला का तो राम नाम सत्य हो जाता आज, लगता है तेरे को मटकी दही में ज्यादा आ सकती। तो इसको लेकर रहा कर दोनों बच्चों को लेकर मैं तीर्थ जा रहा हूँ। मैया इतने दुखी हो गई, रो रही थी, आज दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों बच्चों को लेकर के धारसन दूध में मिश्री मिला कर पिला दी, ब्रह्मांड घाट में स्नान कराया। शाम को जब घर में आए, मैया बैठ करके एक कोड़े में रो रही हैं, नंद बाबा एक कोड़े में कृष्ण बलराम को लेकर बैठे हुए। इतने में रोहिणी देवी आकर के बोले मध्यस्थ होकर के बोले इनको झगड़ा कैसे शांत हो, बोले अगर कृष्ण को किसी तरह से मैया की गोद में छोड़ दे तो झगड़ा शांत हो जाएगा। इतने में बोले दाऊ एक काम करो, कन्हैया को लेकर के पिताजी की गोद से माँ की गोद में छोड़ दे, फिर झगड़ा शांत हो जाएगा। जब बलदेव प्रभु जाकर कृष्ण को हाथ पर बोले लाला कन्हैया चल माँ के पास में, कृष्ण इतने गुस्से में थे इसे झटका मारे, वहीं पर दाऊ भैया गिर पड़े। मैया रोहिणी बड़ी लगता है आज लाला को बड़ा क्रोध है, बोले कन्हैया मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती है, बोले किसको पास में रहोगे, बोले बाबा को पास में रहूँगा, बोले दूध तो बाबा को पास में नहीं मिलेगा, दूध तो मैया को पास में मिलेगी, दूध कहाँ से पियोगे, बोले धारसन दूध में पिताजी मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले किसको गोद में सोओगे, क्योंकि जब तक मैया की गोद में नहीं सोते उनको नींद नहीं आती है, बोले सोओगे किसको गोद में, बोले बाबा की गोद में, बोले खेलोगे, बोले दाऊ भैया के साथ में, बोले मैया को पास में, बोले नहीं जाऊंगा, अगर बोले अगर मैया को पास में नहीं जाओगे, मैया अगर ऐसे हो गई, ऐसे मतलब अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगा। कृष्ण जब सुना अगर मैं मैया को पास में नहीं जाऊंगा मैया मर जाएगी, फिर कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर पिताजी की गोद में खड़े होकर के माँ 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 करते करते सीधा मैया की गोद में जाकर लेट गए, और मैया कन्हैया को गोद में पा करके रोने लग गई। कृष्ण ऐसे ही सुंदर सुंदर लीला करके पूरा ब्रजवासियों को एकदम मुग्ध करके रखे थे। इसलिए सत्यव्रत क्या बोलते हैं, बोले एतादृशी सलीला भी आनंद को राधा दामोदर की, बोले श्री गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो।
बोला गिरिराज बाबा की। हरे कृष्णा। हाँ गिरिराज की, थोड़ा गिरिराज की कथा सुन देते हैं। कहती है गिरिराज गोवर्धन कौन है? कहती है गिरिराज गोवर्धन और कोई नहीं, ये भगवान कृष्णा स्वयं ये गिरिराज की रूप धारण कर रखे। इसलिए कहते हैं जो गिरिराज गोवर्धन, ये इनकी कितना रूप है, कितना रूप है गिरिराज का, बोलो कितना? अरे बोलो कितना। इसलिए इनको बोले इनकी 300 रूप है, हैं? कहते ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं कृष्ण, क्योंकि जिस समय चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को पुरी में दो चीज दिया था, क्या क्या दिया था? गुंजामाला, गिरिराज शिला। बोले रघुनाथ गुंजामाला ये कृष्ण राधा रानी, और जो गिरिराज दे रहा हूँ ये कौन है? ये कृष्ण स्वयं है। इसलिए ये स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है। कहते इनका दूसरा स्वरूप क्या है? ये स्वयं भगवान विष्णु है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जब कठोर तपस्या की, कृष्ण बोले क्या किस लिए तपस्या की? बोले प्रभु चरण की हम सेवा चाहते। बोले किस रूप में? बोले प्रभु अगर ब्रज में हम पहाड़ बनकर के जन्म हो जाए, हमारे ऊपर में अगर आप मीठे मीठे लीला करें, हमारे जीवन सार्थक होगा। इसलिए शंकर जी स्वयं नंदीश्वर बने, ब्रह्मा जी ब्रह्माचल बने, और श्री विष्णु को क्या बने? गिरिराज गोवर्धन बने। इसलिए इनका दूसरा स्वरूप क्या हो गया? ये श्री विष्णु स्वरूप, एक कृष्ण एक विष्णु। तीसरा स्वरूप क्या है बोला? हाँ, इसलिए राधा रानी स्वयं कहती हैं, बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती हैं कि गिरिराज कौन है? हरिदास वर्ज। इसलिए तीन हरिदास है, कौन है? पहला नंबर से युधिष्ठिर महाराज हरिदास, हरिदास वर कौन है? श्री उद्धव जी, और हरिदास में सबसे बड़े हरिदास कौन है? ये गिरिराज महाराज की। कहती है हरिदास वर्ज क्यों है? कहते हैं प्रमद मदर लीला कंदर कंदर ते रचयति न मजुन द्वंदमस्मिन मदम। भगवान गिरिराज गोवर्धन में उनको कुंज कुंज में मधुर से मधुर श्रृंगार उन्हें लीला की, जहाँ पर रास लीला किया, कुंज लीला की जहाँ पर, और कृष्ण के लिए उन्होंने बड़े सुंदर मणि वेदी बनाते हैं। कृष्ण जिनको अंगुल को ऊपर उठाए, जिनकी कुंज कुंज में लीला की, जिनकी जहाँ से झरना की पानी पीते हैं, फल फूल जो कुछ सब कुछ गिरिराज गोवर्धन से उनको मिलता है। इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन मतलब क्या? बोले गो मतलब इंद्रियां, वर्धन मतलब जो कृष्ण इंद्रियों को जो पोषण करते भरण पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम गिरिराज। गिरिराज मतलब क्या? बोले गिरियों में जो सबसे बड़े राजा श्री गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए कहते कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन क्यों धारण किया था, क्या कारण था? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके पीछे चार कारण बताते हैं। कितना कारण बताते हैं? चार। क्या क्या? इसलिए कल हम इसको सुनेंगे, इसको कोशिश करना ढूंढ करके एकत्रित करने के लिए। कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन क्यों धारण किए हैं, इसके पीछे क्या क्या रहस्य है, हैं? इसलिए कहते एक समय कृष्ण हैं, कहते कृष्ण एक समय ब्रजवासियों ने हर साल इंद्र पूजा करते थे। अभी कृष्ण का उम्र कितना हो गया? कितना उम्र हो गया? सात साल। सात साल दो महीना में। इसलिए कृष्ण की जब वो इतना उम्र हो गया, ये हर साल तो ये ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा करते थे, हर साल पूजा करते थे, लेकिन इस साल कृष्ण जानबूझ करके जब सारे ये ब्रजवासी लोग हैं, इसलिए रात भर मैया जसोदा लड्डू कचौड़ी मालपुआ और बड़े सुंदर सुंदर हैं खाना बना रही थी मैया जसोदा। इतने में कृष्ण ने आकर के बोले मैया मैया कल क्या मेरी जन्मतिथि है, ये रात भर इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बनाते हो? मैया बोलिया बाबा के पास में चले जा, बाबा को पूछो। इतने में बाबा की गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ लिए, बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर ये सुंदर सुंदर पकवान क्यों बना रही हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर क्यों बना रही हैं, कल क्या मेरे जन्मतिथि? बोले नहीं, बोले दाऊ भैया का? बोले नहीं, बोले फिर इतने क्यों बना रहे, कारण क्या है? बोले लाला हाँ हम इंद्र पूजा करेंगे। बोले बाबा ये इंद्र कौन है, ये इंद्र पूजा क्यों करेंगे? बोले लाला हम तो कौन है, ग्वाला है,
हमारा मूल धन ये गैया, गैया ही हमारा सब कुछ है। और गैया घास खाते हैं, लेकिन घास मिलता है कहाँ से? कहते स्वर्ग का राजा इंद्र, इनका अधीन में कौन रहता है? परजन्य, इनका आदेश पर ये बारिश बरसाता है। बारिश बरसाने पर फिर घास उगता है, गैया घास खाते हैं, घास खाकर दूध देते हैं, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, और दूध से मिठाई और छाछ सब कुछ बनती है। अभी भी ब्रज में अब देखोगे ज़्यादा कुछ गैया है ना बास, और उसका दही से रोटी उससे खा लेंगे, छाछ से बास, इतने मोटे मोटे रोटी, थोड़ी सी गुड़ नहीं तो आचार होगा बास, इधर रोटी खा लेंगे, इधर छाछ पी लेंगे। और शरीर में ताकत देखो, दिन भर खेती में काम करते हैं, इसलिए उनका दूध दही, उनका सब कुछ दूध दही, इनका प्राण है। इसलिए हम लोग इंद्र पूजा करते हैं, बोले पिताजी ये समुद्र क्या इंद्र पूजा करता है? ये बारिश होता है कि नहीं समुद्र में? ये जंगल क्या इंद्र पूजा करते हैं? ये जंगल में बारिश होती कि नहीं? बोले पिताजी जो जो कर्म किया ना, कर्म के अनुरूप जीव का फल भोगना पड़ता है, इसलिए हम कर्म का फल हम भोगना पड़ता है। इसलिए पिताजी ब्रज का जो प्रत्यक्ष देवता है ना, ये गिरिराज गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता ही है। इसलिए हम लोग जो ब्रजवास कर रहे हैं, ये गिरिराज गोवर्धन के आशीर्वाद से, इनको पहाड़ मत समझो, ये ब्रज का ये प्रत्यक्ष देवता है। और हमारे जो ब्राह्मण लोग है, ये हमारी देवता, गैया हमारी देवता है। इसलिए पिताजी ये गिरिराज के आशीर्वाद से ये मेघ आकर गिरिराज में टकराता है, टकरा करके बारिश होती है। जितने घास कहाँ से गैया खाते हैं? गिरिराज गोवर्धन से। फल फूल झरना की पानी कहाँ से मिलता है? बोले गिरिराज गोवर्धन से सब कुछ मिलता है। इसलिए हमारे सब कुछ कौन है? ये गिरिराज हमारे सब कुछ है। इसलिए पिताजी आप ये बताओ, इंद्र को कब से पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले इंद्र को जो पूजा करते हो, इन्हीं आँखों से कभी देखे हो इंद्र खाते हुए? बोले नहीं लाला। बोले पिताजी जब आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करोगे, देखोगे ये साक्षात रूप में प्रकट होकर के आप जो कुछ आप इनको दोगे, ये सब कुछ ग्रहण करेंगे। आप जो कुछ इनसे मांगोगे, ये गिरिराज सब कुछ इच्छाओं को पूरी करेंगे। इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रता श्री गिरिराज गोवर्धन है। बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए पिताजी आप ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। बोले लाला इन्हीं आंखों से देवता देखेंगे? बोले और क्या पिताजी, इन्हीं आंखों से देखोगे प्रत्यक्ष गिरिराज प्रकट होंगे। बोले लाला फैल से हम इंद्र पूजा नहीं, कल हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। पूरा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दिए, कल इंद्र पूजा नहीं गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। जितने ब्रजवासी थे ना, जो खाना बना रहे थे, सबके सब डबल डबल खाना बनाए। बोले गिरिराज कल गिरिराज का दर्शन होंगे। 365 गांव से, तरौली बरौली से ही, ऊंचा गांव नीचा गांव और वृंदावन नंदगांव बरसाना जाबट कोकिलावन से ही हैं, कितना गांव अभी भी ब्रज में 365 गांव, इतना वहां से भोजन लेकर के आए पूरा, जिसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या है? अन्न मतलब अन्न, कूट का मतलब पहाड़, रोटी का पहाड़ और रसमलाई का पहाड़ और मालपुआ का पहाड़, अन्न की पहाड़, सब पहाड़ 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 बन गया। इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट नाम पड़ गया। कृष्ण स्वयं अपना हाथों से उन्होंने हाँ क्या 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 लाए तुम, अरे क्या लाए मिठाई का नाम क्या है? छेनापोर का पहाड़। इसलिए पूरा ब्रजवासी इतने लाए कृष्ण अपने हाथों से, हैं षोडश उपचार से उन्होंने श्री गिरिराज का अभिषेक किया। अभिषेक करके फिर जो कुछ लाए थे उसको ऊपर में उन्होंने तुलसी पत्ता रखा, तुलसी पत्ता रखकर गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने आह्वान करके, जब इदम सैघृत नैवेद्य उपकरण श्री गिरिराजाय नम बोल करके अर्पण किया, गिरिराज सचमुच से विशाल रूप लेकर प्रकट हुए। सबके सब दर्शन कर रहे थे। गिरिराज कह रहे थे मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जो व्यक्ति मेरी पूजा किया है मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम फलते फूलते रहोगे, सब इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। अगर मेरा मेरी पूजा की कोई अनादर करेगा, वो जन्म जन्मांतर के कंगाल बना रहेगा।
गिरिराज स्वयं अपना रूप का दर्शन दे करके स्वयं ये बात बताई। और जो कुछ उन्होंने खाना भोग लगाए थे, उन्होंने हाथ को पसार पसार कर गिरिराज खा रहे थे, सब कुछ उन्होंने समाप्त करके बोले आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ। बोले ब्रज प्रभु ये गरीब ब्रजवासी इतने में ही संतुष्ट रहो। बोले ठाकुर जी को उन्होंने तांबुल दिया, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले आज का दिन मेरी ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना जिसने भोग लगाया, कहते किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रही, इनके मुंह से निकली हुई वाणी है। कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों खाओ चकाचक भजन करो, चलो हम सबके सब मिल करके ये गिरिराज गोवर्धन की हम परिक्रमा लगाएंगे। कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर के परिक्रमा लगाए। सबसे पहले कौन चल रहे थे? ब्राह्मण संत चल रहे थे, उसको बाद में कौन चल रहे थे? गैया भी चल रहे थे, उसको पीछे ब्रजवासी, सबको पीछे जो चल रहे थे ये ब्रज गोपियां चल रही थी, सबको पीछे राधा रानी चल रही थी। जब थोड़ी दूर परिक्रमा की ना, अभी राधा रानी के मन में इच्छा हुई अगर श्याम सुंदर सचमुच से मेरे प्रियतम होंगे एक बार मेरे को दर्शन देंगे। अभी कृष्ण की राधा जी के मन की भाव कृष्ण समझ गए। बोले राधा रानी तो पीछे में, तो बीच में कैसे दर्शन दूं? उन्होंने अपना लकुटी को ऊपर में फेंका, फेंक करके जब पकड़ने के लिए गए ना, इतने में राधा रानी का दो आंख कृष्ण का दो आंख मिलकर चार एक हो गया। राधा रानी खुश हो गई। जब फिर थोड़ी दूर गई ना, राधा रानी सोचती है श्याम सुंदर अगर मेरे को थोड़ी सी स्पर्श करेंगे मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। कृष्ण सोचे कैसे स्पर्श करूँ, इतने में एक बछड़े को मुंह उन्होंने पीछे करके उन्होंने पूछ को ऐड दिया। अब बछड़ा तो भागते हुए पीछे पहुंच गया और कृष्ण बछड़े को बहाना बनाकर पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर दिया और राधा रानी का हृदय तो प्रेम में खिल गया। हाँ ऐसे करते करते पूरी गिरिराज परिक्रमा उन्होंने लगाए। हमें श्रद्धा प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे। माइक ले लो प्रभु। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज Hey!
Hey!
Yeah.
Thank you.
We'll be right back.